नवंबर 14 से लेके छः महीने तक का मतलब मई 2023 तक का एक सारे बुक्स का जो पठन और अध्ययन का कार्यक्रम है ऐसा एक पठन सत्र का आयोजन हुआ था और हमारी कुछ फैकल्टी मेंबर्स अराउंड 35 फैकल्टी मेंबर्स और समाज से कुछ लोग और स्टूडेंट्स भी उसमें जुड़े थे तो अराउंड फोर्टी फाइव मेम्बर्स थे जिन्होंने ये छः महीने का एक पठन सत्र अटेंड किया था इस सारी बुक्स का विधिवत पठन किया था हमारे वी सी डी सेल के मेंबर्स के अलावा भी आत्मीय यूनिवर्सिटी के मेंबर्स ने इन्हें अटेंड किया था और बारी बारी से हर सेशन के पहले हम लोगों ने ये प्लान किया है कि उस अध्ययनार्थी में से कोई एक या दो आके अपनी जर्नी या एक्सपीरियंस आपके सामने रखेंगे ताकि जो लोग नए हैं उनको पता चल सके कि एक आ, जो भी इसमें जुड़े हैं उनको क्या लर्निंग मिल रही है या फिर उनकी जर्नी कैसे रही है सो so, आज के दिन से हम उसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट आई वुड इन्वाइट विजय दंदवानी सर टू शेयर हिज एक्सपीरियंस गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल मेरा नाम विजय दंदवानी है uh, मुझे uh, कहा गया है जैसे कि जर्नी शेयर करने के लिए uh, यहाँ तक कैसे uh, क्या ग्रोथ हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे उसका शॉर्ट में uh, तीन से पाँच मिनट में मैं अपना थोड़ा रखूँगा तो सबसे पहले मैं uh, कुछ लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी के प्रति कृतज्ञता जिन्होंने ये इस का डेवलपमेंट किया और हमें अपॉर्चुनिटी मिली जीवन विद्या सीखने को लर्निंग और हमारे मेंटर और गाइड त्याग वल्लभ स्वामी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके गाइडेंस में हमें ये कंटेंट मिला और परम पूज्य ए नागरा जी के प्रति कृतज्ञता जिन्होंने ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद हमको दिया है और सभी के प्रति जितने भी लोग हमारे साथी सहयोगी जो भी हैं कॉलेज में हमारे मेंटर से लेके प्रो वी सी वाइस चांसलर और जितने भी मैनेजमेंट टीम है उनके प्रति भी कृतज्ञता और हमारे सेल मेंबर्स के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तो सबसे पहले uh, uh, मेरी जर्नी uh, मैंने बी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2004 में तीन साल तक मैं एम में जॉब करता रहा कंप्यूटर uh, हार्डवेयर और नेटवर्किंग में एक साल मैंने uh, पंडित दीनदयाल पेट्रोम यूनिवर्सिटी गांधीनगर में जॉब किया हुआ है और उसके बाद मेरा करियर एकेडमिक में शिफ्ट हुआ आफ्टर मैरिज 2007 से 2011 तक मैं एक सुरेंद्र के इंस्टीट्यूट में एज़ इंचार्ज हेड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों डिपार्टमेंट में इंचार्ज हेड रहा और 2011 से मेर, मेरा जॉब यहाँ पे आत्मीय यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ यहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं लास्ट तेरह साल से कार्यरत हूँ और 2011 से 2014 तक मैं सिर्फ टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर वगैरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता रहा और सबसे पहले जब 2014 में ये कंटेंट हमारे इंस्टीट्यूट में आया यहाँ से 20 लोग आईआईटी कानपुर में इसके वर्कशॉप के लिए गए तब मैं उसमें नहीं था लेकिन हमारे सेल के कुछ मेम्बर्स जैसे जिगर भैया और वीरानी साइंस के कुछ फैकल्टी वहाँ पे जुड़े थे और उन्होंने आके संस्था में शेयरिंग की कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है और हम बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं और मैनेजमेंट की भी इच्छा थी तो स्वयं त्यागवल्लभ स्वामी और टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने भी लोग थे उन्होंने भी बहुत सारे इसके आठ दिन के शिविर किए फिर अंत में ये डिसाइड हुआ कि इस कंटेंट को हम बच्चों तक ले जा सकते हैं तो इस तरह से शुरुआत हुई इनिशियली Uh, जिगर भैया और मेरा अपॉइंटमेंट uh, हुआ अभी सी सेल में और धीरे धीरे बढ़ता गया अभी दस लोग सेल में हैं और करीब चालीस से पचास फैकल्टी ने uh, छः महीने का अध्ययन भी किया हुआ है कंटीन्यूसली सिक्स मंथ अध्ययन लास्ट नवंबर से मई तक चला उसमें बहुत सारे फैकल्टी जैसे रचना बहन ने बात की कि छब्बीस लोग फैकल्टी मेंबर्स थे दस समाज से छः और पांच स्टूडेंट भी uh, छः महीने का अध्ययन किया तो उसमें मेरे में जो मुझे जो शेयर करना है कि मेरे में क्या चेंजेस आए तो हम तीन पार्ट में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि स्वयं में क्या चेंज हुआ परिवार में क्या परिवर्तन आया और समाज के लिए अभी हमारा लक्ष्य क्या है वो मैं बताना चाहूँगा तो 2014 से पहले जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड या माइंडसेट था तो वो हमेशा कंपटीशन वाला कंपैरिजन वाला रहता था एग्रेसिव रहता था एंग्री रहता था मीन्स के जो नॉर्मल uh, जो भी चीज़ें हमारे में होती हैं नॉर्मल मानव जैसे जीते हैं जैसे हमारे में इनपुट्स जैसे हमारी लाइफ कैरियर जैसे चलता है तो वो चलता रहा मीन्स के वो बहुत ही ऐसा पीरियड था बहुत स्ट्रेस और टेंशन वाला पीरियड था वो 2014 से पहले फिर फर्स्ट टाइम जब मैंने ये अटेंड किया शिविर सोमवाई से और इनिशियली गोपाल बाबू के भी तीन चार शिविर किए थे तो उससे बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आए और बहुत सारे पॉइंट है जो कनेक्ट हुए जैसे कंपटीशन से कोलाब्रेशन तक कैसे जा सकते हैं जैसे अविश्वास से विश्वास की जर्नी कैसे कर सकते हैं और वो सब और बहुत सारी लाइफ में क्लैरिटी भी बनी तो बच्चों के साथ भी काम करते रहे तो बच्चों के साथ काम करने में क्या फ़ायदा हुआ कि हमें अपने में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया कि हम भी इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि मैं जब कुछ बोलता हूँ बच्चों के साथ शेयरिंग करता हूँ तो मेरे ऊपर भी ध्यान जाता है कि मैं उनको बोल रहा हूँ ये करने के लिए तो मैं खुद में वो देख पा रहा हूँ कि नहीं तो उससे भी बहुत सारा कोर्स करेक्शन हुआ तो आ, आ, जैसे मेरा खुद का बताऊँ तो भूतकाल यहाँ पे ऐसा तीन स्टेटमेंट आता है बहुत बार कि भूतकाल की पीड़ा वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता तो ऑलमोस्ट अभी जब भी मैं पहले 2014 से पहले की बात बताऊं तो नींद आने में मुझे दो ढाई घंटे रात को मैं बेड पे गया ग्यारह बजे तो एक डेढ़ बज बज जाता था नींद आने में और अभी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कि ग्यारह बजे गए तो सवा ग्यारह बजे नींद आ जाती है तो वो पहले का जो स्ट्रेस टेंशन था वो अभी नहीं है भूतकाल की पीड़ा भी नहीं है और वर्तमान से विरोध भी नहीं है भविष्य की चिंता अभी भी रहती है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह है या उनका फ्यूचर कैसे होगा उनका करियर क्या है उनको कैसे भविष्य में गाइड करेंगे तो वो थोड़ी बहुत चिंता अभी भी है वो अभी निकली नहीं है वो भी निकल जाएगी शायद ऐसे जर्नी में चलते रहेंगे तो वो भी एक अचीवमेंट मिलेगी ऐसा विश्वास है तो ये एक अच्छा अचीवमेंट था फिर एग्रेशन बहुत कम हुआ है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि 2008 हज़ार में जब हम स्कूल में कॉलेज में जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वहाँ पे एक घंटे पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था अगर किसी बच्चे ने पैर भी ऐसे हिला दिया तो वो दूसरे सेकंड क्लास से बाहर होता था ऐसा एग्रेशन था पढ़ाई में क्योंकि हमें ऐसा लगता था अगर उनको स्किल नहीं मिलेगी तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे लेकिन वो एग्रेशन धीरे धीरे बहुत कम हुआ है अभी बच्चों के साथ थोड़ा रिलेशनशिप भी अच्छा हुआ है और परिवार में भी बहुत चीज़ें करेक्ट हुई है पहले मेरे जो रिलेशनशिप जैसे फादर इन लॉ के साथ मदर इन लॉ से मीन्स जो रिलेशनशिप होते थे या वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप होते थे तो वो भी बहुत क्योंकि पूरा फोकस सुविधा और कैरियर और उस पर ही था लेकिन अभी थोड़ा संबंधों में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है फोकस लेकिन ये बहुत लंबी जर्नी रहती है ऐसे एक बार शिविर किया और वो 360 डिग्री चेंज हुआ ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे चेंज होता है एक दो तीन चार साल पाँच साल लगते हैं तो धीरे धीरे वो बहुत चेंज मुझे अपने आप में दिखाई देता है तो ये सिर्फ जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा कुछ दवाई या गोली नहीं है कि एक बार पिला देंगे और आप में चेंज हो जाएगा इसका जो आपको समय देना है ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है आठ दिन के बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो आपकी शुरुआत होगी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है फिर आप धीरे धीरे अपने में ये चेंजेस देख पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है फिर परिवार के साथ बच्चों धीरे धीरे जैसे समझाते हैं जैसे भैया कल समझ के बारे में बता रहे थे कि समझ क्या है तो कई बार बच्चों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाना हो तो जैसे मैं एक दो एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ कि अगर मुझे Uh, कपड़ों का प्रयोजन या उपयोग पता नहीं है तो बच्चों को नॉर्मली शरीर की रक्षा के लिए है तो प्रयोजन सही है लेकिन वो कपड़े अगर किसी को दिखाने के लिए है तो उसका पर्पज़ सही नहीं है मीन्स मेरे में समझ डेवलप नहीं है तो हर चीज़ में अब अगर आप ये क्वेश्चन मार्क लगा दें जैसे मैं पूछता हूँ कि टीवी देखने के लिए है या दिखाने के लिए तो वो पर्पज़ क्लियर होता है घर रहने के लिए है या दूसरे को दिखाने के लिए तो वो पर्पस क्लियर होता है व्हीकल चलाने के लिए है या दिखाने के लिए है तो पर्पस क्लियर होता है तो किसी भी चीज़ में अगर किसी भी वस्तु के हिसाब से हम ये एक क्वेश्चन मार्क लगा दें वहाँ पे कि हम जो भी चीज़ पहन रहे हैं जो भी कुछ भी कर रहे हैं जितनी भी वस्तुओं का जो भी संसार है उसमें अगर वो उसका प्रयोजन है या दूसरे को दिखाने के लिए तो समझ डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिक तो ये थोड़ा जब हम पढ़ाते हैं तो मेरे में भी ऐसा पहले शूज़ ऐसा ही होना चाहिए बाइक ऐसी होनी चाहिए तो धीरे धीरे वो थोड़ा अट्रैक्शन कम हुआ है पिछले पाँच सात सालों में घर में भी ऐसा है घर में भी कुछ सुविधाएं होती हैं लेकिन ऐसा नहीं कि ये ही इसी ब्रांड का या इसी वो ऐसी ही वस्तु होनी चाहिए क्योंकि उसका पर्पज़ पता चल गया कि ये पर्पज़ है तो पूरा क्लियर हो जाता है ये सिर्फ़ एक समझ का एग्जाम्पल है ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो पॉइंट वन 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 परसेंट भी नहीं है इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी क्योंकि ये सात दिनों का जो वर्कशॉप है वो एक साइड है और आपकी सत्तर साल की जो जर्नी रहेगी वो एक साइड रह जाएगी क्योंकि इसमें इतना लर्निंग और टीचिंग है लेकिन वो सिर्फ सात दिनों में नहीं होगा उसको रेगुलसली आपको हम सभी को काम करना पड़ेगा तो बहुत सारी अचीवमेंट हैं लेकिन मैं अपना सुना हूँ इसे भैया के पास से सुने तो उन उन्होंने पच्चीस साल मैं सिर्फ बता रहा हूँ लेकिन भैया ने पच्चीस साल जिया हुआ है सुनते हैं मैं यहाँ पे मेरी आ, आ, विराम देता हूँ और भैया को इनवाइट करता हूँ या रचना बहन को इनवाइट करता हूँ आगे के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच सर Uh, हमारे में से एक पार्टिसिपेंट के एस यादव भैया है जो भी उत्सुक है अपनी जर्नी को यहाँ पे रखने के लिए तो प्लीज़ भैया गुड मॉर्निंग केम छो रचना बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को दो मिनट का समय दिया uh, देखिए मेरी सिक्सटी फोर उम्र हो गई और मैं चार साल पहले um, रिटायर हुआ था रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में और 2010 से 2015 तक राजकोट में रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम किया चौदह सौराष्ट्र के जिले इंक्लूडिंग दीव यूनियन टेरिटरी में मैं बहुत चीज़ें समझ रहा था कि आप लोग शनिवार इतवार को रेस कोर्स में जो है कोई साइकिल से स्कूटर से जो है दो दिन बहुत एंजॉय करवा के ले जाते हैं लेकिन वह पाँच दिन वही कहानी होती कभी खुशी कभी गम सचमुच में क्योंकि गवर्नमेंट आदमी को जिसने पैंतीस साल नौकरी की उसके माइंड सेट को चेंज करना इतना आसान नहीं है जब मैं पहली बार जो है मैंने शिविर किसी ने कन्विंस किया था मैं पकड़ के ले जाया गया था गया नहीं खुद पकड़ के ले जाए जाते हम सभी लोग पकड़ के ले जाए गए हो बाद में तो फिर हम खुद ही आते तो सबसे पहले मेरा यही टकराव हुआ कि अपने आप को बदलना है मैंने कहा ये तो पॉसिबल है ही नहीं मैं तो लेबर मिनिस्ट्री में रहा हूँ हमें तो जो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट को दोनों के लिए एक जॉइंट एजुकेशन प्रोग्राम करना जब तक दोनों नहीं बदलेंगे और ये बहुत भारी सचमुच मैंने पुष्कर में दो में मैं कोविड में मैं रिटायर हुआ था मतलब इट वॉज ए अन अनइवेंटफुल रिटायरमेंट उदयपुर से रिटायर हुआ था और मोबाइल पे रिटायरमेंट हुआ था अभी मैं ये भी बात अभी मैं ये भी कह रहा था भैया के साथ योगेश भैया के साथ कि यह तीन जनरेशन बैठी हैं जो भी बातें जो है चल रही थी कल की उसका चित्रण तीनों जनरेशन के माइंड में अलग अलग चल रहा है ना जो चित्रण हमारे दिमाग में क्योंकि वो चीजें हमने देखी है हमने जी है मैं एक मिनट और लूंगा जो है तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लीन स्लेट तुरंत आपको याद हो जाता है मुझे तो अभी साफ मिला था सोम त्यागी जी का कि आपको 12 शिविर जो है अटेंड करेंगे अब थोड़ी थोड़ी शब्दावली भूतकाल की पीड़ा है वर्तमान से और भविष्य वो चीज़ें आने लगी हैं सचमुच में जो है ये जो अब जो जो जिंदगी जो चल रही है ये बहुत ही मैं ये कहूँगा कि कल के जो ये थे कि हमारा दिमाग पूरा जो जिंदगी जो है पैसा ही जीवन शैली है हमारे दिमाग में जो चित्रण बन रहा है पुराने लोगों के भी इंद्रियों में ही सुख है और सुविधाओं में जो है सुख है है सुख सुख इंद्रियों में सुख है जो ये बिल्कुल हमने ये लाइफ इन तीनों को छोड़ के जी हुई है क्योंकि उस जमाने में हम कागज की नाव बनाते थे कागज की किस्ती थी और नदी का किनारा था नहीं है लेकिन सुख गायब है नदारद है जो। तो ये जो है जो शिक्षा ऐसी है क्योंकि हम समझते हैं लेकिन समझाने की ज्यादा कोशिश करते घर में डिस्प्यूट क्यों नहीं खत्म होते क्योंकि वह आठ दिन नहीं समझा पाते कोई भी नहीं समझा सकता है ना जिससे पहले मैं कुछ और क्योंकि ये तो सब कवरेज हो रहा है मैं झूठ बोलूंगा पहले मैं क्या करते? मेरे में क्या बदलाव आया वाइफ जरा सी कुछ बोलती मैं फटाफट जवाब देता है ना अब वो स्थिति दूर हो गई है क्योंकि अब वाइफ कुछ भी बोलती है तो मैं मुंह में पानी का कूला भर लेता हूं या बाहर चला जाता हूं जा। है हाँ ना क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो ये कैमरे में आ जाएगा जा। आप झूठ भी नहीं बोल सकते आप लोग मोबाइल देख रहे थे कि भाषा हम भाषा से समझते हैं <clears> ऐसा <throat> है यहाँ गुजरात में गुजराती बोली जाती है अधिकांश लोग गुजराती भाषा में बोलते और हम अधिकांश लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं होना चाहते हैं इसलिए हम गुजराती भाषा बोलते तो भाषा का महत्व तो हमने पहचाना मेरे अनुसार भाषा का महत्व यही है कि हम अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं और जैसा हमने कल चर्चा की कि ये एक निष्कर्ष हम लोगों का निकल गया कि इस जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है ऐसा सबका हो ऐसा मैं नहीं कह रहा और ऐसा है भी नहीं इसको जांचना होगा पर बोलबाला तो यही है तो फिर एक निष्कर्षात्मक लाइन आ गई कि पैसा ही सब कुछ है अगर हम इसको भाषा में फैलाएंगे तो फिर यह भाषा धीरे धीरे उबाऊ लगती है उबाऊ शब्द समझते हैं बोरिंग इरिटेटिंग एट टाइम्स विशेष करके जब परिवार में हम ये भाषा बोलते हैं जिसमें पैसा जुड़ा हुआ हो तो ये भाषा हमारी भावनाओं को ना पहचानने वाली हो जाती है ऐसा है कि नहीं कितने लोगों को यह स्वीकार है कि परिवार में हमारे संबंधियों के साथ जब हम पैसे की भाषा से बात करते हैं तो ये संबंधी के भाव पक्ष को उपेक्षा करने वाली भाषा हो जाती है ऐसे कितने लोग उसको स्वीकार करते है, है ना <clears throat> अब फिर क्या बात करे फिर हमारी भाषा कैसे हो दूसरी भाषा हमको अवगत नहीं है तो फिर धीरे धीरे हम लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या भाषा का प्रयोग हो तो ये भाषा बदल के देखा वो भाषा बदल के देखा तो अभी हम कुछ भाषा का अभ्यास भी करेंगे ये जो भाषा कि चर्चा हम लोग करेंगे ये भाव भाषा होगा हमारे भावों को व्यक्त करने वाली भाषा कहेंगी ये भाव भाषा होगी संबंधों में परिवार में संबंधों में पैसे से जोड़कर जो भाषा का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि यह मानव भाषा नहीं है क्योंकि संबंध पैसे से नहीं पहचाने जाते परिवार में संबंध भावों से पहचाने जाते हैं ठीक है ना ऐसा तो ये भाव भाषा क्या है तो ये भाषा बनती नहीं इसलिए हमारे घर चुप चुप हो गए अभी तो घर चुप है उसमें भाषा नहीं है ऐसा हो रहा है कि नहीं दूसरा सुविधा ही जीवन शैली है इस निष्कर्ष पर हम आ गए इसको भी भाषा में फैला के देखे परिवार में संबंधों को जीते समय सुविधा की बात कितनी देर करेंगे ये भी उबाऊ हो जाता है जब हम बार बार सुविधाओं की चर्चा करते तो ये तो चलता नहीं फिर ये भी भाषा उबाऊ है इरिटेटिंग है तो एक इक्वेशन बनता है पिताजी बराबर एटीएम ये सूत्र बना भी और माताजी बराबर ठेपला या क्या तो तो यहां तो बहुत वैरायटी है फाफड़ा या जलेबी या जो भी है ये बहुत चलता नहीं क्या इसके आगे संबंध है या नहीं है संबंध मतलब सुविधा ही है या उससे आगे भी कुछ है परिवार मतलब सुविधा ही है या उससे आगे भी कुछ है ये भाषाएं हमारी है और इसलिए सोचने वाले व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जब सोचने वाला व्यक्ति भी इस ट्रैप में आ जाता है इन निष्कर्षों के और वो भी अपनी आइडेंटिटी को वो भी अपने महत्व को वो भी अपने कम्युनिकेशन को जब परिवार में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है इस प्रकार की भाषा से तो वो सोच में पड़ जाता है सोचने वाले व्यक्ति की कथा है ये उन्माद में तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं है उन्माद में तो भाषा भी नहीं है अपराध में कोई भाषा थोड़ी होती है पुलिस के लोग बैठे हैं अफसर लोग बैठे हैं अपराधी के साथ बात थोड़ी होती है नहीं होता ना उन्माद में भाषा भी नहीं है ये तो हम आप साधारण से लोगों को तो सुविधाओं की भाषा से हम संबंधों में भावों को पहचान नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोचने वाले व्यक्ति को ये खलता है ये मलाल रहता है कि क्या मैं इस परिवार में केवल सुविधा प्रोवाइडर हूं और जैसे कल बात हो रही थी कि यही हमारे संबंधों में अपेक्षाओं की जो दलदल है वो यही है और इस दलदल का एक नियम है इसमें रेजिस्टेंस करेंगे निकल नहीं पाता फंसाए कोई दलदल में बरसाती नहीं हो रही तो दलदल भी फिजिकली भी कैसे पता लगेगी जब दलदल में फंसता है तो निकलना और धस्ता आदमी तो या तो दलदल को बिना रेजिस्ट किए आंख बंद करके लेट लिया जाए स्वाहा हुआ जाए या फिर इस दलदल से निकला कैसे जाए उसके लिए काम किया जाए और क्या कोई ऐसा रास्ता है क्या कोई ऐसी दृष्टि है क्या ऐसे कोई दृष्टि कौन है क्या ऐसी कोई सच्चाई है कि हम इस दलदल दल से निकल सकते और यह दलदल केवल काल्पनिक है केवल भ्रम है ये रियलिटी नहीं है रियलिटी कुछ और है इस रियलिटी को समझने के लिए भाषा भी भिन्न होगा यह दलदल वाली भाषा से सच्चाई कनेक्ट नहीं होती है व्यापारी भाषा से मानवता समझ में नहीं आती जो तीसरा निष्कर्ष इंद्रियों में ही सारा सुख है सोचने वाले व्यक्ति के लिए जब इंद्रियों में ही सुख है तो इंद्रियों की भाषा सोचने वाले व्यक्ति के लिए पेनफुल होती है तो फिर ये जो मुद्दे हमारे में आ गए इससे जितना भी हम भाषा बनाएंगे ये भाषा भावों को पहुंचा नहीं पाती है और यही मुद्दों से जुड़ा हुआ हमारा एंटरटेनमेंट का दुनिया है मनोरंजन की दुनिया है हर व्यक्ति आज तनाव को दूर करने के लिए मनोरंजन की दुनिया को अपनाया हुआ है और अपनी भावों की दुनिया को पहचानने के लिए यह एंटरटेनमेंट लिया हुआ है बहुत सारा उसका नाम है मसाला और इन मसालों में डूबते डूबते हमको भी धीरे धीरे मसालों के सुनने की आदत हो गई है है कि नहीं और इसीलिए जो एक हमें अवसर मिला पैदा होकर के हमें अवसर मिला सोचने समझने का जिंदगी में कुछ करने का उस अवसर को हम मनोरंजन के हाथ लग गए हैं और वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम ऐसा हो रहा है कि नहीं उस पर वो रमी खेलना रमी रमी बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल रमी खेलते बताइए चलो पैसे की ही बात है इतना इतना आसान है क्या पैसा कमाना सोचने वाले व्यक्ति की बात है ना झूठ व्यक्ति की तो बात बेकार ही है उस पर क्या बात करे झूठ बोल के जो पैसे इकट्ठा करते उसकी बात नहीं की जाए सोचने वाले व्यक्ति की और मैं मानता हूं जो भी इस हॉल में है वो सोचने वाला है ऐसा मानू कि नहीं मानू कि झूठ बोलने के डिजाइन तय है हाँ कहां पड़े ये सब में इतने इसमें थोड़ा पैसा मिलता है कुछ प्रॉपर्टी का, का काम किया जाए प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो कितना कितना तो पैसा हो जाता है मैं सोचता हूं इस हॉल में जो भी है जो समझने के लिए आया है वो सोचने वाला व्यक्ति है तो सोचने वाला व्यक्ति अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया का शिकार हो गया और अपना सोचना विचारना हार्ड एंड मनी और ये एंटरटेनमेंट के मथे चढ़ा दिया क्योंकि तनाव से दूर होना है उसमें यही भाषा है और इस भाषा से वो हंसाते हैं है कि नहीं आदमी मूलता ऐसा हंसने वाला एंटरटेनिंग है या गंभीर है आप लोग क्या मानते आदमी कैसा है गंभीर है या ऐसा वाला है जैसा दिखाते हैं नाच गाने में जो दिखाते हैं वो आदमी है या गंभीर है सोचने का मुद्दा है आपकी जानकारी के लिए सूचना देता हूं आदमी मूलतः गंभीर है और गंभीर व्यक्ति ही सुखद लगता है गंभीर होना मतलब चिंता तूर होना अलग चीज है चिंता तूर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं गंभीर व्यक्ति की बात कर रहा हूं हम मूलतः गंभीर हैं और ये संबंधों में स्पष्ट इसके एविडेंस है जिस मनोरंजन की दुनिया में इतना हम बर्बाद करते हैं समय पैसा ऊर्जा यदि हमारे संबंधी ने हमको भी अगर एंटरटेनिंग मान लिया तो फिर जमीन खसक जाएगी नीचे समझ में नहीं आएगा मेरा वजूद क्या है आई एम आई राइट रॉन्ग और हम दिनों दिन हल्के पड़ते जा रहे संबंधों में इसलिए हमको कोई सीरियसली नहीं लेता सोचने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम संबंध के बारे में सोचता है रास्ता वही है जिसने अपनी सोच को ताला लगा दिया वह संबंध को इग्नोर करता है और ये जो तीन मुद्दे हैं उसी को अपनाता है स्वाभाविक है उसमें तनाव भर ही जाना है फिर उस तनाव से निकलने के लिए वो मनोरंजन को हाथ लगाता है और खुद एक मनोरंजन का साधन बन जाता है जिस समय शायद पता लग गया देर हो चुकी होगी ऐसा है कि नहीं संबंधों में यदि हमारे संतान ने हमको सीरियसली नहीं लिया तो कैसा होता है कैसा लगता है दिल जला होता है नहीं हम्म हमारी संतान अगर हमको सीरियस नहीं लेती क्यों लेगी क्या है हमारे पास ऐसा पति पत्नी में से दोनों एक दूसरे को सीरियसली नहीं लेंगे तो भाई बहन एक दूसरे को सीरियसली नहीं लेंगे तो, तो यदि हम संबंध को एक दूसरे के लिए सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर इन संबंधों में बिखराव है <coughs> आप तो शिक्षक है अधिकांश समाज के भी लोग हैं। यदि आपको विद्यार्थी सीरियसली नहीं लेते हैं तो जो होता है वो आपको पता है यदि हमें ऐसा लगता है कि हमको विद्यार्थी सीरियसली ले तो सीरियस होने का अभिनय नहीं, नहीं चलेगा सीरियस होने के लिए वैसे व्यवहार होने होंगे वैसा विचार होना होगा वैसा कार्य होना होगा और इस धरती को हमने गंभीरता से नहीं लिया उसका इसलिए जो हाल हो रहा है ये हाल वही है कि हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया मिट्टी पानी हवा इसको हमने गंभीरता से नहीं लिया इसलिए हम उसका वेस्टेज करते हैं इसलिए उसका अपव्यय करते तो अभी हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा को हम भाव भाषा कहेंगे मानव भाषा कहेंगे मानवीय भाव के धरातल से व्यवस्था जैसा शब्द हमको समझ में आता है तो कैसे समझ में आएगा तो हम प्रयास करेंगे इन दिनों कि हम भाषा को समझने का प्रयास करेंगे मानवीय भाषा क्या होता है मानवीय भाषा क्या होती है मानवीय भाषा साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स आए हैं ना आज हैं गुड थोड़ा सा आपके लिए और सभी के लिए इसको देख लेते हैं कोशिश करते हैं ना कल जैसे बात किया था कि हम झेलते झिलाते हैं तो झेलने वाली भी भाषा है झिलाने वाली भी भाषा है झिलाने में मतलब सुनाते है।, है ना सुनाया है हमने सबने यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो केवल सुन के आया हो वो सुनाया ही है और सुनाने के वो मोमेंट भी देखता है कब वो चांस मिले और कब सुना डाले उसको हम प्रतिक्रिया ही कहते हैं अब इससे क्या हो गया झेलना झिलाने से क्या हो गया हम घायल होते हैं और घायल करते हैं घायल होना और घायल करना आप कैसे घायल करते है? एक इंटरेस्टिंग स्टडी आया है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है हमारे बीच में आप सबके लिए भी उपयोग का होगा स्टिक स्टिक से यदि आदमी को मारा लाठी से पत्थर से तो हड्डी टूटता है चमड़ा फट सकता है पर शब्द से यदि मारा तो ब्रेन का सेल टूटता है यह फाइंडिंग है और इसको ताली कैसे मारो भाई इसको कैसे ताली मारोगे <laughs> ये सोचने का मुद्दा है हम लोग की भाषा क्या हो गई है और हमें पता भी नहीं हमारा शब्द का वार कहां जाता है यदि हमने शब्दों से मारा तो चमड़ा हड्डी नहीं टूटता ब्रेन के सेल फटते हैं ये शब्दों का और उसके पीछे जो भाव है ये इस तरह से आदमी हृदय से लगाया हुआ है शब्द को इसलिए कहीं सुना भी होगा वाणी संयम भाषा में नियंत्रण सुना होगा कभी हुए ना हम भाषा से ही हर्ट होते हैं कि नहीं तो ये जो भाषा है अंग्रेजी शब्द प्रयोग करता हूं सर्वाइवल अब इसको जांचे कि क्या ये मानवीय भाषा है इसको अपने को पकड़ना है तो हम सभी इन संघर्षों में सर्वाइवल का अधिकांश हम लोगों का प्रयास है कि हम सर्वाइव कर पाए अभी हमारा अधिकांश फोकस रोटी पर टिका हुआ है आजीविका राइट और रॉन्ग है ना हमारा सारा फोकस किस पर टिका हुआ है अभी आजीविका पर टिका हुआ है और आजीविका के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है यदि आजीविका बंद हो गई तो हमें लगता है कि मर जाऊंगा या मर जाएंगे तो एक सर्वाइवल की स्ट्रांग फीलिंग है और जो भाषा है हमारी उस भाषा में सर्वाइवल की भाषा ज्यादा आती है कि हम सर्वाइव कर पाए समझ रहे <coughs> अच्छा ये सर्वाइवल अब सब संघर्ष कर रहे सभी सर्वाइव के लिए संघर्ष कर रहे तो फिर ये संघर्ष में घायल होना होता है घायल करना भी होता है तो फिर हमें एक भाषा लगती है उसका नाम है हीलिंग अब घायल किया तो क्या कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं हीलिंग की भाषा लगती है, है ना हीलिंग को हीलिंग होना तो ये दो वाला मुझे लगता है ज्यादा चल रहा है जहां से मानवीय भाषा शुरू होती है वो शुरू होती है मीनिंग से अर्थ क्या है और मानवीय भाषा बनी रहती है परपत से तो मेरे अनुसार सर्वाइवल और हीलिंग ये मानवीय भाषा नहीं है मीनिंग और पर्पस ये ही मानवीय भाषा है हम अपने भावों को मीनिंग से बना के रखते हैं और हम अपने भावों को हमारे पर्पस से बना के रखते हैं तो मानवीय भाषा तैयार होती है समझ में आता है बोलिए क्योंकि क्योंकि हीलिंग हो गया मान लीजिए पुनः युद्ध के लिए तैयार होता है हीलिंग में मीनिंग नहीं है हम्म इसमें इसमें आता क्या है इन भावों की अगर हम चर्चा करें तो जो मीनिंग और पर्पस की यदि चर्चा करें तो तीन मानवीय भाव हमें स्पष्ट होने लगते हैं उन भावों का नाम है धीरता वीरता और उदारता हमारी भाषाओं में धीरता रिफ्लेक्ट होती है समझने के लिए धीरता समझ में आने के बाद धीरता बनी रहती है यदि हम समझना चाहते हैं तो क्या लगेगा हमें भाषाओं में क्या आना होगा यदि हमें समझना है तो भाषा में क्या आवश्यक है धीरता आवश्यक है धीरता ये मूल्य आवश्यक है ये भाव आवश्यक है हम्म hmm. आगे चर्चा करेंगे संबंधों की बात है जैसे जैसे जो मीनिंग है उस मीनिंग का जो कोर एरिया है उस कोर एरिया का नाम है न्याय परिवार के संबंधों में परिवार में जो हमने चौखट कल सोचने का प्रयास किया कि ये सारी चर्चा हमें कैसे समझ में आती है अभी हमारा काफी फैलाव है कार्यक्रमों में बहुत फैले हुए हैं इस फैलाव को हम परिवार की चौखट तक ले आते यानी परिवार भाव में ले आते परिवार भाव में उसको ले आने से हमें कुछ संबंधों का थोड़ा सा एक अनुमान होने लगता है कल्पना होने लगती है तो जब हम संबंधों की कल्पना करते हैं उस स्थिति में जो मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं दो संबंधी जब आपस में भाषा में बात करते हैं उसमें जो मीनिंग समझने की कोशिश है वो मीनिंग न्याय से जुड़ी हुई है तो यदि मुझको लगता है कि मेरे साथ न्याय होना हो या मैं न्याय कर पाऊं तो उसके लिए आवश्यक है मुझमें क्या हो धीरता हो हाँ, आएगा आएगा धरती को समझना हो तो धीरता की जरूरत है आदमी को समझना हो तो भी धीरता की जरूरत है तो धीरता का धीरता का जैसे हमने देखा कोर एरिया न्याय है न्याय का कोर एरिया देखें तो न्याय का जो कोर एरिया है वो है संबंध न्याय तो संबंध में ही होता है है कि नहीं अभी न्याय कहां है अभी न्याय कहां है हमें लगता है है ना अभी न्याय कहां पर है कोर्ट में न्याय है देखिए कोर्ट में न्याय है या निर्णय है फैसला है कोर्ट्स में फैसला है कल बात हुई थी एक के पक्ष में है दूसरे के पक्ष में नहीं है ऐसा तो तो है कि तो नहीं जबकि रूट कहां से आया कोर्ट तक कहां से पहुंच गया व्यक्ति यहीं से पहुंच गया है तो क्या हुआ न्याय का कोर हो गया संबंध अब पुनः मीनिंग संबंधों का अर्थ क्या है यह मीनिंग है जब संबंधों का अर्थ समझ में आता है तो न्याय समझ में आता है न्याय समझ में आता है तो धीरता समझ में आती है ऐसा है कि नहीं तो संबंध है अब अब ये जो संबंध है इसकी क्या मीनिंग है संबंध का मीनिंग है पूर्णता। संबंध का मीनिंग है पूर्णता माता पिता और संतान ये संबंध है सभी के घरों में है ना हमारे परिवार में यही संबंध है एक प्रौढ़ होते हैं दूसरे संतान होते हैं दो ही कैटेगरी बनता है एक प्रौढ़ यानी बड़े होते हैं और संतान मतलब छोटे होंगे ये बड़े होते हैं छोटे होते हैं इन दो के ही बीच में संबंध रहता है बड़े हो गए तो हो सकता है दादाजी हो नाना जी हो पिताजी हो चाचा जी हो मामा जी हो छोटे हैं तो हमारा पोता हो या संतान हो या फिर भांजा हो भतीजा हो हम सभी ने संबोधन दिया हुआ है तो ये जो छोटा बड़ा ये एक संबंध का व्यवहार्य स्वरूप हमको दिखता है फिर उसके ये फाइन थ्रेड्स है कि दादाजी है मतलब कुछ मीनिंग है पिताजी है मतलब कुछ मीनिंग है ये उसके फाइनर लेवल है सही है कि नहीं अब अब इस संबंध का अर्थ क्या है तो इन संबंधों का अर्थ है पूर्णता अब क्या पूर्ण होना है तो यह समझ में आ रहा है कि वो जो चार सूत्र हैं ये पूर्ण होने हैं ये कौन से सूत्र हैं तो संबंधी की समझ पूर्ण होना है इसलिए इस पूर्णता को हम कहेंगे संबंधी समझदार होना है ये पूर्णता है कि नहीं अब जिस पर हम तुले हुए हैं कि हम पैसा भर देंगे बैंक में तो समझदार होगा इस पर हम तुल गए इसलिए जब अपन इस पर तुल गए तो फिर हम सर्वाइवल के डोमेन में आएंगे संतान हमारी समझदार होना है इस पर हम यदि आ गए तो फिर इसमें तुलना यानी जिद नहीं होता फिर यह सहज होता है स्वाभाविक होता है क्योंकि संतान की पैदाइश का मीनिंग ही है समझदार होना इसी के लिए पैदा हुआ है एंड देर आर नंबर ऑफ एविडेंसेस राइट फ्रॉम द बर्थ वो वो सारे एविडेंसेस को हमको सोचना है वो समझना है कि हमारे घर में संतान पैदा हो गई तो ये क्या लक्षण देता है क्या एविडेंस देता है एक प्रधान एविडेंस देता है हर बच्चा जब बात करने लगता है तो फिर वो प्रश्न पूछता है हमने भी प्रश्न पूछे पर किसी समय के बाद ये प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने से प्रश्न बंद हो जाते हैं और वही है चुप चुप रहना प्रश्न बंद हो गए तो परिवार में ये प्रश्न बंद हो गए और उस जगह पर ये जो हम लोग ले आए एंटरटेनमेंट घुसा दिए सुविधाओं को घुसा दिए पैसे को घुसा दिए और कहा पूर्णता कहां बची फिर तो परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रयास कर रहा है क्या चीज का और सर्वाइवल के लिए फिर घर छोड़ दिया है कि नहीं जब घर छोड़ दिया तो क्या हो गया ये और, और तीन मुद्दे इसमें आ गए घर छोड़ दिया तब फिर यह क्यों नहीं है सर्वाइवल और हीलिंग क्यों नहीं क्योंकि इसमें पनपती है दीनता मेरे दुख का निवारण कोई और करे यह दीनता है हीलर यह नहीं बताता कि हम हमारे दुख को दूर कर सकते हैं इतनी क्षमता हमारे में है ऐसी क्षमता की एक्सरसाइज करना होगा तो उसे हम कहेंगे समझदार होना जब हम इन क्षमताओं की बात करते हैं तो फिर हीलिंग की आवश्यकता नहीं है है ना आवश्यकता है मीनिंग को पकड़ने की अर्थ को पकड़ने की आवश्यकता है और अर्थ आता है कल जैसा बात किया था जो संबोधन हम देते हैं उससे अर्थ आता है माता जी पिताजी ये संबोधन है इस संबोधन का अर्थ क्या है ये जिस दिन बच्चे को समझ में आएगा उस दिन बच्चा संबंध को पकड़ता है फिर उसमें संबंधों में थ्रेट नहीं है भय नहीं है सुरक्षा है इसलिए माता पिताओं का अर्थ है यह बच्चे के संरक्षण करता है पर क्या चीज का संरक्षण इसका अर्थ नहीं पता बच्चे की समझदारी का संरक्षण करते हैं बच्चे की ईमानदारी का संरक्षण करते हैं बच्चे की जिम्मेदारी का संरक्षण करते हैं बच्चे की भागीदारी का संरक्षण करते ये माँ बाप है ये माँ बाप का अर्थ है इसलिए शिक्षा है इसलिए 10 20 25 साल शिक्षा में लगाते हैं धीरे 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 इस संरक्षण में और बच्चे तैयार होते हैं समझदार होते हैं और जैसे बच्चे समझदार हो गया माता पिता के कर्तव्यों की वो तृप्ति बिंदु रहता है कि अब हमारा बच्चा समझदार हो गया मतलब मतलब क्या हुआ ये बच्चा कैसा है ईमानदार है छुपाता नहीं हमसे आज बच्चों को ही छुपाना पड़ रहा है माता पिता से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है न जाने कितनी चीजें छुपाते छुपाते हैं अपनों में ही अगर ये लुका छिपी चल गई बाहर क्या कहेंगे और ये लुका छिपी फॉर सेक ऑफ फॉर सेक ऑफ सर्वाइवल जबकि माता पिता जीवित हैं और बच्चे को सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़े क्या ये माता पिता के गौरव की अनुकूल है, है कि नहीं ये सोचने का मुद्दा है पैसे से बच्चे का संरक्षण नहीं होता जो भी माता पिता हैं। बच्चे का संरक्षण समझ से होता है इसलिए बच्चे को समझदार बनाना यह प्रत्येक माता पिता का नैतिक कर्तव्य है चाहे अपनी कोख की संतान हो या ना हो वो तो शरीर का मुद्दा है ऐसा है ना हम बड़े हो गए इसका मतलब हम वो नैतिकता हमारे में लागू हो गई इसलिए ऐसे शिक्षा संस्थानों में अभिभावक और शिक्षक का संयुक्त होना आवश्यक है क्योंकि ये जो संरक्षण है यह संरक्षण अब शिक्षा विधि से यह कम्युनिकेबल है यह समझ में आ सकता है इसलिए शिक्षक की भूमिका अब हमको समझ में आती है परिवार भाव को इंकलकेट करना परिवार भाव के जो संस्कार है उसको इंकल्केट करना इसलिए शिक्षा में मानवीय भाषा का प्रयोग प्रारंभ होना यह आवश्यक है यदि शिक्षक भी सर्वाइवल और हीलिंग की बात करते हैं तो फिर बचा कुचा आशा भी खत्म हो गया क्योंकि जिससे मैं समझ रहा हूं वो खुद सर्वाइवल में है उसको खुद सर्वाइवल का थ्रेट है ऐसा है कि नहीं इसको थोड़ा सा देखें तो फिर यह जो सर्वाइवल और हीलिंग की भाषा है इसलिए उसको मानवीय भाषा नहीं कहते जिसको मटेरियलिज्म में ही जीना है उसके लिए यह भाषा ठीक है क्योंकि मटेरियलिज्म में संघर्ष है कभी चार पैसे आएंगे कभी चार पैसे जाएंगे शरीर को ही जब मटेरियल ही समझ लिया तो उसमें वो संघर्ष होना है और उस संघर्ष का होना भी है तो ऐसे संघर्ष के लिए सर्वाइवल की भाषा हीलिंग की भाषा चल रही है और इसी पर आप लोगों का साइकोलॉजी बेस है है ना उसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव कहते है। हम हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में अब इंडियन पर्सपेक्टिव मिस्टीरियस है वो शायद आप लोगों को अभी इतना पकड़ नहीं बनेगी ये मिस्टीरियस है एक नया पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस कर रहे सहअस्तित्ववादी पर्सपेक्टिव से देखिए साइकोलॉजी किसी को दिशा दे पाए तो वो साइकोलॉजी है उस पर हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं तो मानवीय भाषा तो मानवीय भाषा चार डायमेंशन में है समझने का प्रयास करेंगे और उसी डायमेंशन में हम आने वाले पांच छह दिनों में बात करेंगे इसलिए यहां कोई मसाले वाली भाषा एंटरटेनिंग भाषा नहीं होगा ठीक है ये मानव भाषा को हम धीरे धीरे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो मानवीय भाषा चार आयाम में ये अभ्यास होना होगा क्योंकि हम प्रौढ़ हम प्रौढ़ होने के नाते हमें ये पहले भाषा का अभ्यास आवश्यक लगता है तो इसका एक डायमेंशन है उसको हम कहेंगे अनुभव भाषा अनुभव भाषा उदाहरण के लिए हम जीवन विद्या शिविर कह रहे तो जीवन विद्या का मतलब है जीने की कला जीने का विवेक जीने का विज्ञान और इसको स्रोत के रूप में हम पहचान रहे हैं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन तो इसमें अनुभव भाषा क्या होगा अस्तित्व में जो जो अनुभव में आता है ऐसे सभी अनुभवों को हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम कहेंगे अनुभव भाषा उदाहरण के लिए अस्तित्व में नियम होते हैं नियम बनाए नहीं जाते नियम होते हैं ऐसे नियम हमारे अनुभव में आते हैं और फिर हम इन नियमों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसका एक सूत्रात्मक शैली आती है सूत्रित रहते हैं नियम इतना तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग लग जाए जाये, लग जाएगा कि जब हम सूत्रात्मक बात करते हैं तो इन नियमों को जब सूत्रित करके व्यक्त करते हैं तब हम उसको कहेंगे ये अनुभव की भाषा है बढ़िया अब इन अनुभवों को हम विचारों में ले आते हैं इन अनुभवों को हम विचार में ले आते हैं तब हम उसको कहेंगे विचार भाषा इसका हमें अच्छे से परिचय है विचार भाषा का मतलब है हम इन सूत्रों की विश्लेषण या व्याख्या करते हैं और इन व्याख्याओं के लिए हम तर्क प्रयोग करते हैं लॉजिक देते विश्लेषण करते हैं और लॉजिक देते इसका हमको भरपूर अभी ये चल रहा है हम सब में परंतु परंतु अनुभव के अभाव में ये सारे विचार हैं इसलिए अभी हमारा जो भी तर्क है वो खुला है ओपन है वो क्लोज नहीं है और धीरे धीरे जब हम लॉजिक देते हैं तो धीरे धीरे फिर यह तर्क शस्त्र भी बनता है किसी को यदि चुप कराना हो तो हम स्ट्रांग लॉजिक देते विशेष करके शिक्षा जगत के लोग थोड़ा सा इस पर सावधान जो झगड़े हैं ना शिक्षा जगत में ये इसीलिए झगड़े हैं कि एक दूसरे को तर्क से काटते हैं होता है कि नहीं ऐसे क्योंकि वो क्लोज नहीं है क्लोज होने के लिए अनुभव चाहिए बिना अनुभव के यदि कोई विचार है तो वो ओपन एंडेड है एक तो तर्क दूसरा अगर परिवार में देखेंगे तो द्वंद्व है परिवार का प्रत्येक सदस्य सोच ही रहा है उसका विचार भाषा है परंतु उसमें द्वंद्व है जो भी भाषा आ रही उसमें द्वंद्वात्मक चीजें आ जाती हैं द्वंद्व समझते हैं द्वंद्व समझते हैं, दुविधाएं रहती है दुविधाएं हैं जैसे जो भी हम निर्णय ले रहे सही है कि गलत है यह चल रहा है सही है गलत है मैं जो कुछ व्यवहार कर रहा हूं न्याय है अन्याय है सोचने वाले व्यक्ति का बता रहा हूं है ना बार बार ध्यान दिला रहा हूं यह सोचने वाले व्यक्ति के लिए ही कार्यशाला है सोच विचार को ताला लगा करके पैसा सब कुछ जब तक मानेंगी इसमें से ये एक लाइन नहीं आएगी फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं, फिर भी शुभकामनाएं हैं। कमा करके देख लीजिए सुविधाओं को भर के देखें इंद्रियों में भरपूर आनंद लेकर के देखें मीनिंग क्या निकला मेरी जिंदगी का मीनिंग क्या निकला और मेरी जिंदगी का पर्पज क्या निकला और ये हर एक व्यक्ति के जिंदगी में ये मोड आते हैं हम सेंस नहीं कर पाते एक बहुत ही विषण करने वाला मोड आता है उसका नाम है जब हम मृत्यु शैया पर रहते हैं तब ये आता है और बहुत तेजी से आता है वेरी फास्ट जिंदगी ऐसे घूमती है जैसे इतनी स्पीड से नहीं घूमती ये शैया पर होने वाला चीज है पर क्या फायदा तब जब शरीर ही नहीं रह रहा है फिर ऐसे सोच विचार का क्या फायदा फिर वहां बिस्तर से हाथ जोड़कर क्या फायदा हुँ? कुछ हो गया माफ करो यूं त्यू सब चलता तो है ही यह नियति है पर नियति यह भी है कि कोक से ही क्वेरी है यह भी नियति है गर्भ संस्कार में भी क्वेरी है हु एम आई What is इज purpose? स्कूल में भर्ती करते ही क्वेरी है युवा अवस्था में भी क्वेरी है प्रौढ़ावस्था में भी क्वेरी है देर आर मूमेंट्स जब हम जिंदगी पर पुनर्विचार करते हैं परंतु ये सब होने के लिए सौभाग्य लगता है ऐसा मैं कहूँगा आज जिस तरह से हम लोग फंस गए दलदल में फंस गए हैं ऐसे सौभाग्य के क्षण मिलना दुरापास्त हो गया समझ रहे भाषा को और दरदल में फंसकर तिल तिल मरने वाला कार्यक्रम है इसमें जीना कहां है जब सर्वाइवल के लिए ही काम है तो पल पल मरने का डर है संबंधों में मरना है नौकरी में मरना है कौन सी ऐसी जगह है जहां जीना है मरने का मतलब है खटना है हार्ड वर्क सॉफ्टवेयर के लिए स्पेस नहीं है ऐसा हो रहा है कि नहीं तो अभी जो हमारे विचार चल रहे हैं उसमें वो भाषा है पर ये द्वंद्वात्मक भाषा है न्याय क्या है अन्याय क्या है ये द्वंद्व है सत्य क्या है असत्य क्या है पुनः चौखट भूलिए नहीं परिवार के संबंधों में ये सर्वाधिक स्पष्ट द्वंद्व दिखाई देते बाहर हम लोग अभिनय करते बाहर अभिनय है मानना होगा बाजार में चहल पहल दिखता है सब तो खुश हैं, किसको न्याय अन्याय की पड़ी है बाजार में सभी खुश दिखते सामान खरीदने जाता कौन दुखी होके सामान खरीदने जाता है और कौन दुखी होके बेचता भी है आपको वो दुखी होके बेचेगा तो सामान थोड़ी बिकेगा ले लो ले जाओ पड़ा है देख लो <laughs> <laughs> कैसा अभी नहीं चलता है यही लो इसी से राजा दिखोगे रानी दिखोगे जो भी झंझट है <laughs> <laughs> और राजा दिखने का तो अरमान है अपना भले प्रजा कुछ नहीं है प्रजा नहीं है लेकिन राजा देखने का अरमान तो है हर एक को राइट right. तो ये सब बाहर तो अभिनय है परिवार में अभिनय नहीं चलता जैसे भैया सुबह बता रहे थे पत्नी ने बोला मतलब जवाब देना है ये नैतिकता है नहीं देंगे पिटाई होगी कहेंगे भागो कर बाहर जाओ बाहर ही ठीक हो परिवार में रहना है मतलब जवाब दे ही होना है इट्स नॉट मेरी टॉकिंग ऑफ यू वर्ड्स कोई संबंधी कुछ पूछ रहा है मतलब जवाब देना है ये नैतिकता है कुछ हो ना जवाब देने के लिए तब सबसे बड़ी हद की बात तो ये हो जाती है कि अभी भी हमारे हाई कोर्ट में फैमिली इशू था उसमें जज ने भी कह दिया पति को भाई वो तो घर में पत्नी की तो सुननी पड़ेगी क्योंकि हम भी सुनते हैं जज का ये कोर्ट के अंदर ये बात सबसे बड़ी बात है तो ये जो न्याय व्यवस्था आप बताइए जज तक परेशान है जो निर्णय दे रहे हैं जज भी दुखी है बहुत बड़ी बात है प्रैक्टिकल आया है उसमें जो है थे। एक और, मैं किसी सेमिनार में था तो वो जो कुछ एडवोकेट तो बात ये चल रही थी कि जुडिशरी में सबसे ज्यादा स्कोप है तो किसी वकील ने बताया कि साफ दीवानी फौजदारी जितने भी है सबसे ज्यादा भीड़ खता खच खत जाम जो लग रहा है वो फैमिली कोर्ट्स में लग रहा है इन पिछले दिनों में जो है फैमिली कोर्ट्स मोस्ट वो प्रोस्पेरस एरिया जो फॉर एडवोकेट्स कमिंग एडवोकेट्स ठीक तो okay, ये, ये, okay. ये तो, है ये बताती है संबंध हमारे कहाँ जा रहे हैं इसलिए विचार भाषा से अभी हमारा एंट्री पॉइंट हो रहा है अभी हम जो समझ रहे हैं वो विचार भाषा से समझ रहे तो यदि विचार भाषा से कनेक्ट होना होगा तो हमको फिर एक प्रोसेस है विचार भाषा से यदि हमको समझना होगा तो एक प्रक्रिया है यह प्रक्रिया कैसी है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे जांचना जांचने की प्रक्रिया है चलिए जांच लेते हैं जांचना अब जहां जांचना है वहां किसे जांचेंगे यहां से शिफ्ट है।, है ना फिर से एक बार परिवार की चौखट इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे परिवार की चौखट मतलब संबंध मतलब संबंध संबंध का मतलब है मीनिंग उसका अर्थ क्या है संबंध का पर्पज क्या है और फिर जो हम पर्पज को मीनिंग को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को तो हम विचार भाषा से कम्युनिकेट करते तो विचार भाषा का कंटेंट क्या हो कैसे कंटेंट आए क्योंकि अब हमारा ये लगभग निष्कर्ष आ रहा है कि परिवार में पैसे की भाषा नहीं है परिवार में सुविधाओं की भाषा नहीं है परिवार में इंद्रिय सुखों की भाषा नहीं है परिवार में भाषा है हमारे जिंदगी का अर्थ क्या है और हमारे जिंदगी का पर्पज क्या है यह भाषा है अब अब इसको इसके लिए जांचना होगा कहां जांचेंगे तब आता है स्वयं को जांचना होगा इसको अच्छे से ध्यान में रखना होगा स्वयं स्वयं को जांचना होगा अब ये थोड़ा टफ है अभी तक के अभ्यास दूसरे को जांचने की गई अब स्वयं को जांचने के लिए साहस लगता है यह क्रांति है जब हम स्वयं को जांचते हैं वही क्रांति है और यह क्रांति प्रगति के लिए है उन्नति के लिए है जब दूसरे को जांचते हैं तो वह प्रतिक्रांति हो गया फिर वहां संघर्ष है धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी हम प्रयोग करते हैं परिवार में होता ही है परिवार में भी धरना प्रदर्शन आंदोलन चलते खाना बंद कर देना एक आंदोलन है भूख भूख होते हुए नहीं कहना एक आंदोलन है बाहर खाना एक प्रदर्शन है सर एक क्वेश्चन है कर सकती हूँ आपने कहा कि स्त्रियों के सामने पुरुष को चुप रहना पड़ता है hmm, मैंने कहा ऐसे कहा भाई अरे 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 कहा ले गए कहा तो आप, अपनी बात करो मैंने ऐसा नहीं कहा हाँ ओके सर कोई बात नहीं। मैं क्या सुना बोल रहा हूँ वापस सुनो अच्छी बात मैं ये बोल रहा हूँ परिवार में कोई संबंधी यदि हमको कुछ कह रहा है उसको रेस्पॉन्ड करना ये हमारी नैतिकता है ये हमारा मॉरल काम है ये मॉरलिटी है यदि हम जवाब नहीं देते तो ये हमको सोचना होगा कि हम क्या हैं? इतना बात मैंने कहा फिर वो सदस्य कोई भी हो सकता है इसमें स्त्री पुरुष वाला मुद्दा नहीं है आप आगे okay, हाँ आप अपनी बात करो बोलो साहब सर आपने जो कल पढ़ाया था उसमें मुझे एक क्वेश्चन था बोलिए ना। आपने कहा था कि इंद्रिय में ही सारा सुख ऐसा इंसान समझता है हाँ तो इंद्रिय सुख के अलावा वास्तविक सुख है क्या हाँ चल रहा है चर्चा उसी की तो चर्चा चल रही है। मुझे उसका एक उदाहरण दरूर हाँ, जरूर, 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 जरूर 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 जैसे बहुत साधारण उधर बैठी साधारण उदाहरण अभी घर में नाश्ता करके आए कि नहीं जी सर क्या नाश्ता किया चाय और थेपले। थेपला वेरी गुड <laughs> पस, पसंद का था जी सर हाँ देखो चाय कौन बनाया जी हम हॉस्टल में है तो वहाँ के लोग हाँ बढ़िया ठीक है हॉस्टल में तो वहाँ के लोगों ने बनाया ठेपला वहीं पर से है तो आदमी की नहीं जी सर एक आदमी ने चाय बनाया आपके लिए बात है तो जिस व्यक्ति ने हमारे लिए चाय बनाया ठेपला बनाया दिया तो समय पर दिया तभी हाँ आप आए जी और अच्छा भी बनाया जी तो उस आदमी के भाव के प्रति जो हमारा भाव आता है उसको हम एप्रिशिएट करते हैं यह इंद्रियातीत सुख है हम चाय को एप्रिशिएट किए वो इंद्रिय सुख है ठेपले को एप्रीशिएट किए ये इंद्रिय सुख है उसको जो बनाने वाले का जो भाव है उसको जब हम एप्रिशिएट करते ये इंद्रियातीत है ये टिकता है ठेपला तो चला गया ये टिकता है है ना जो भावों के जो सुख हैं वो टिकते हैं उसकी उसकी निरंतरता है उसकी कंटिन्यूटी है थैंक यू स्पष्ट हो रहा है ना हाँ बेटा जी का बात रह गया पुरुष प्रधान बोल रहे थे yeah. बोलो पूरा करिए सर उसमें मुझे भी ये कहना था हा, हा? यहाँ पे योगेश भैया बोलिए कि सुबह से जैसे पूरा डिस्कशन चल रहा है तो वो ज्यादा पति पत्नी के मोड पे चल रहा है उसको जेंडर सेंसिटाइज न करते हुए अगर व्यक्तिगत तौर पे इसको संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा लोगों को समझने में आसानी रहेगी

कौन क्या कह रहा है इसका अभी अपने को कंसर्न नहीं तो खुला रखिए खुला बोलने दें सर हाँ। मेरा हाँ। आपसे एक सवाल है हाँ बोलिए जीवन में सुखी जरूरी है जीवन में सुखी जरूरी है, हाँ। सुखी जरूरी है। चलो देखिए जीवन में समझ जरूरी है ऐसा आप मानते कि नहीं जीवन में समझ होना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, है ना तो अभी अभी सुखी होना जरूरी है का सूत्र निकल गया उस सूत्र को हम कहेंगे जीवन में जो समझ है समझ बराबर सुख जब हम कहेंगे कि समझदार होना जरूरी है वही सुखी होना जरूरी है है कि नहीं इसको जांचिए, फिर जांचना है तो सर हमारे जीवन में अगर दुख ही नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति हमें कैसे होगी बहुत बढ़िया जब हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा बेटा तो उस तरह से हम उपयोगी होते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है वह व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी होता है अपने लिए तो वह सुखी रहता ही है दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है परिवार में यदि हम परिवार में दुखी है, हैं है कि नहीं बहुत छोटे छोटे उदाहरण लीजिए तो अभी अपने मां बाप मान लीजिए आपको कोई कष्ट हो गया तो आपके मां बाप को देखा जाएगा आपका कष्ट उनको अपने पर आता है हमारे में क्या कमी रह गई कि हमारी संतान दुखी है ऐसा है कि नहीं और यदि माता पिता दुखी रहने लगेंगे तो संतान को कैसा लगेगा यह मुद्दा है तो जब हम सुखी होते हैं तो हम सुख की अनुभूतियों को दूसरों को पहुंचाते हैं यही हमारा उपयोग है बढ़िया आगे हाँ बेटा कंप्लीट कीजिए सर बारी बारी क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि स्टेज नहीं मिलता या तो भड़ास निकालना होता है हमें पूरा प्रॉपर समझना है इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन दो ही परिस्थितियों में नहीं होता या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है सही बात हम लोग समझ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें प्रॉपर समझना है इसलिए हमें क्वेश्चन प्लीज कीजिए क्वेश्चन कीजिए यस सर कीजिए कीजिए जो भी आपके मन में है कीजिए इसका दूसरा नाम भी है शिविर का प्रश्न मुक्ति अभियान जी सर हमें कहा गया था जब हमारे <laughs> डिपार्टमेंट में वो सर तो प्लीज कीजिए ठीक है बस यही हो कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रश्न गंभीरता का लय पकड़े हुए हो तो उसका समाधान कनेक्ट रहता है ओके okay, सर है कि नहीं और जो इनपुट आ रहा है उस इनपुट पर थोड़ा सा सोच विचार किया जाए उस पर प्रश्न हो तो गहराई डेप्थ और बढ़ेगा ओके okay, सर बढ़िया इतनी जिम्मेदारी प्रश्न करने वाले पर भी है ठीक है कि नहीं बढ़िया हाँ तो आपका मुद्दा हल हो गया या और बोलना है उस पर जी सर मेरा बोलो हाँ कहिए ऐसा है कि पुरुष प्रधान देश से अभी हाँ तो कोई घर में ऐसा कैसे हो सकता है कि कहते हैं इनका वो उनकी जो वाइफ होती है वो तो पूरा दिन अपना काम करती है जो पुरुष होता है वो बाहर से सब काम करके आता है और कहते हैं कि पुरुष सब बाहर नहीं निकलता है आपने कल भी कहा था कि जो स्त्रियाँ होती है वो गप्पे लड़ाती है या ऐसे करके वो अपना पूरा दिन का जो भी होता है वो निकाल देती है अंदर से hmm. लेकिन पुरुषों को भी मे भी हार्ट अटैक इसलिए आता है वो उनकी जो अनुभूति है उनकी जो फीलिंग्स होती है वो बाहर नहीं निकालते हम्म hmm, है तो ऐसा तो हो रहा है अभी मैं तो अप्रिशिएट कर रहा था कि ये जो बातें हैं चर्चाएं हैं ये सब होना चाहिए ये तो अप्रिशिएशन का मुद्दा है पर पुरुष यदि नहीं कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं अब मैं भी पुरुष हूँ दर्द जानता हूं सबके तो, तो धीरे धीरे बात कर रहा हूँ तो ये बात तो सही है आपकी ठीक कह रहे हैं बेटा पुरुषों को शायद मित्र नहीं मिला अभी इनको तो सखियां मिल गई स्त्रियों को वो कर भी लेते अपनी लेकिन पुरुषों को पता नहीं मित्र अभी मिला नहीं है देखो सर में स्त्रिया रात को बाहर घूमना अभी अभी जाती है hmm. गर्ल्स जाती है लेकिन पुरुष के जितने फ्रेंड्स होते हैं उतने स्त्रियों के नहीं होते अरे ओ, उसका एक शोध करना ना अरे कोई मित्र थोड़ी होते बेटा सर आपने तो मित्र की बात मित्र बात बेटा वो मित्र नहीं होते सब पैसे के सब भाई दिल का सगा कोई नहीं सब पैसे के भाई है। अगर ऐसा होता तो इतने पुरुषार्थी पुरुष होते तो ये धरती बीमार ना होती बेटा सर आप समझा सकते हैं कैसे हम्म hmm. जैसे जो अभी शोषण तंत्र है शोषण तंत्र फैला हुआ है कि नहीं मसल पावर यूज करना आर्म्स पावर यूज करना है कि नहीं फिजिकली पुरुष तो ताकतवर है महिला से अगर हम फिजिकल पैरामीटर्स पे देखे ये सब ताकत का प्रयोग कहाँ किया तो ये सारा ताकत का प्रयोग करके यदि इस धरती को स्वर्ग बनाने में होता तो वो पुरुष का पुरुषार्थ कहलाता पर ये सारी ताकत का प्रयोग बल का प्रयोग शोषण तंत्र में आ गया ऐसा मुझे लगता है सर है ऐसा ही है ऐसा ही है पर बदलना है। होगा ना अब इसको हाँ सर तो बदलने के लिए सर्वप्रथम जो आप मुद्दा कर रहे हो स्त्री पुरुष समानता का भाव आना होगा क्योंकि सर उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो उसकी शुरुआत कर सकते उसी की तो बेटा चर्चा कर रहे हैं उसी की शुरुआत कर सकते परिवार भाव से उसकी शुरुआत होती है परिवार में सभी सदस्य समान होते हैं परिवार एक व्यवस्था है व्यवस्था में सभी समान है छोटे बड़े सब सभी की भागीदारी से परिवार का व्यवस्था बना रहता है है कि नहीं सभी एक दूसरे के भाव को समझते हैं विचार को समझते हैं तो यह समानता है नहीं तो कार्य के आधार पर विभाजन है कि नहीं लड़की है तो अमुक काम होना है लड़का है तो अमुक काम करना है अभी ये तो चल ही रहा है अभी ऐसा है कि नहीं सर yes, hmm. तो अब परिवार का है मतलब पुरुष को भी बर्तन मांजना है वो स्थूल मुद्दा है बर्तन मांजना होगा कपड़ा धोना होगा सर आज खाना बनाना होगा नहीं बना सकते तो कम से कम सहयोग करना होगा कुछ भी नहीं कर सकते अरे कम से कम शांति से अच्छा अच्छा तो खाना भी तो होगा ऐसे ऐसी भी बात है ये भी नहीं करना है तो फिर कैसे है कि नहीं सर ये सब करना होता है लेकिन पुरुषों में ना वो हमारी मेल साइकोलॉजी जो है ना वो बोलती है पुरुष में मेल ईगो होता है जो ये सब काम करने में हर्ट होने लगता है तो आप इसी इसीलिए परिवार जब वही बात है बेटा वापस एक बार जब हम व्यवस्था को समझते हैं ये खत्म होता है दिस ऑल गोस अवे व्यवस्था को नहीं समझते तो हायरार की तो समझते जब हायरार की है तो फिर अधिकार वाला दंड आता फिर तो दंड का मतलब है हु होल्ड्स द पावर ऐसे फिर चलता है जब व्यवस्था समझते हैं तो सभी समान तो समानताओं को पहचानते हैं तो यह हल होता है व्यवस्थाओं में जब व्यवस्था का हमको स्पष्टता नहीं है व्यवस्थाओं में अनुभव नहीं है तो यह द्वंद्व यह कॉन्ट्रडिक्शन, शंकाएं यह सब बना रहेगा इसलिए यदि साइकोलॉजी को हमको ठीक करना है हमारी साइकोलॉजी यदि हमें ठीक होनी है तो परिवार एक व्यवस्था है यह हमको समझना होगा यह अनिवार्य है क्योंकि वहीं से यह पनपता है झंझट अलग वाला वहीं से मिलता है ना ये, ये ये लड़की को करना है लड़के को करना है ये यहीं से मिल जाता है वो तो समझ से ही पहले से ही होता है जो पापा होते हैं वो लड़के को ऐसा बोलता है, ये ये है वो कर लेगी नहीं। तो अब अब जो वो करते बड़े हैं ठीक है तो बड़ों के लिए सम्मान बना रहे आप तय करो अब आप कैसे आगे बढ़ोगे और जब हम व्यवस्था के लिए आगे बढ़ते हैं सब सरेंडर रहते व्यवस्था में ही शरण है न्याय में ही शरण है कोई व्यक्ति जब तक अपना ईगो पालेगा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो जब तक ईगो पालेंगे तब तक परेशान रहेंगे द्वंद्व में रहेंगे पशोपेश में रहेंगे सही है गलत है इस, इसी इसी पशोपेश में खसकता जाता है तृप्ति नहीं मिलती है कि नहीं तृप्ति पाने के लिए हमें परिवार एक व्यवस्था है इस साइकोलॉजी के साथ अब काम करना होगा सर हम उसे साइकोलॉजी की बजाय विचार सरणी बोल सकते हैं अभी इसलिए कि साइकोलॉजी एक शास्त्र है मैं वो ही कहना चाहती हूँ एक शास्त्र एक है शास्त्र है और आप जो कह रहे हैं उससे हम उससे बड़ा है बोल सकते हैं उससे बड़ा है विचार बड़ा है शास्त्र से विचार बड़े होता है ठीक बात है पर हम जो ऑपरेटिव करते हैं हमारा जो ऑपरेशन है वो साइकोलॉजी से है इसलिए ये शास्त्र को पहले थोड़ा सा बिठाते हैं धीरे-धीरे विचार बढ़ता है ये काम है थोड़ा सा कठिन है सोचने के लिए हाँ बोलो आगे विचारों से शास्त्र नहीं बनता शास्त्र से विचार ठीक है और और अपन आगे बढ़ेंगे विचार हमेशा बड़ा चीज रहता है विचारों को जब हम जीते हैं ना तो शास्त्र लगता है वही सर मैं वही कहना जब हम जीते हैं तो वे नीड सम विचार हमेशा बड़ा चीज है उससे बड़ा है अनुभव विचार से बड़ा है अनुभव है कि नहीं तो वो जो शास्त्र आप पढ़ रहे हो उसको हम कहते हैं व्यवहार व्यवहार का शास्त्र है व्यवहार कहते हैं तो आप जो शास्त्र पढ़ रही हो उसकी व्यवहार की भाषा है जो पढ़ते हैं ना सारा उसमें व्यवहार का भाषा ज्यादा से ज्यादा है जी सर मैं भी हमारे शास्त्रों में वर्तन की भाषा हाँ ठीक है कि नहीं तो फिर वो वर्तन वही वही घूमता है बढ़िया इसलिए तो थोड़ा अच्छे से देखो बेटा समझने की कोशिश करो वो जो घूमता है ना वो इधर ही घूम रहा है आपका शास्त्र सर्वाइवल और हीलिंग उसी में घूम रहा है मीनिंग और पर्पस तक नहीं जा पा रहा है जैसे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो जी सर। परेशान होके ही आ रहा है ना डिसऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड तभी वो क्लिनिकल हेल्प के लिए आया है जी सही है तो पहले उसके विचार ही बंद करने का आपके पास होगा विचार बंद करने का कोई इश्यू नहीं है विचार को बदलने का इशू हाँ तो विचार को बदलने के लिए फिर हमें फिर हमें क्या पकड़ना होगा मीनिंग पकड़ना होगा पर्पस पकड़ना होगा तब तो विचार बदलते हैं तो विचार बंद करना अच्छा बात नहीं कि नहीं नहीं सर विचार बदलने, अच्छा के बदलने के लिए तो साइकोलॉजी यदि विचार बदलने के लिए काम करती है तो फिर बदले हुए विचार के बिहेवियर क्या होते हैं उस बिहेवियर पर हमको पहले ध्यान आकर्षण करना होगा किसी व्यक्ति का विचार बदलता है तो बिहेवियर कैसा आता है वो स्टडी चाहिए सर ऐसे क्या स्टडीज होते ही है बिल्कुल होते हैं उसी का तो चल रहा है ऐसे ही तो स्टडी करेंगे तो आप लोगों का उसमें मजा आएगा आपकी साइकोलॉजी में और वो समझने के लिए ही क्वेश्चन एकदम आप फुल पूरे क्वेश्चन कीजिए भरपूर प्रश्न कीजिए, ठीक है? सर, बोलिए। भैया जी hmm. मैं आप अभी अभी जो बोल रहे थे ये मानवीय भाषा की जो मीनिंग और पर्पस देखने के लिए जो धीरता वीरता और उदारता की hmm. प्रश्न जो चल रहा था धीरता hmm. तो समझ गए आप, आप समझाएं तो थोड़ा बहुत समझ आया hmm. उदारता भी थोड़ा बहुत आता है पर वीरता कैसे यहां पे एप्लीकेबल है परिवार परिवार कनेक्ट हो रहा है आपको परिवार कनेक्ट हो रहा है, हाँ. है ना परिवार मतलब दो और दो से अधिक है ना तो एट एनी गिवन टाइम दो लोग आएंगे दो लोग रहेंगे संबंध दो लोगों में है अब इसमें वीरता क्या संबंधी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए अपने तन मन धन यानी ये जो शक्तियां हैं इन शक्तियों को उपयोग करते ये वीरता है समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे संबंधी को न्याय उपलब्ध कराना मतलब ये धरना प्रदर्शन वाला न्याय उपलब्ध कराना नहीं है न्याय की कंटेंट उपलब्ध कराना किसी मुद्दे पर संबंधी फंसा हुआ है इसलिए वो न्याय व्यक्त नहीं कर पा रहा है या न्याय को समझ नहीं पा रहा है इस सिचुएशन में न्याय क्या हो तो वो न्याय का कंटेंट उपलब्ध कराना ये होता है वीरता बिना सिचुएशन से भागे ये वीरता है और उसके लिए अपनी ही बौद्धिक शक्ति का प्रयोग रहता है अपनी ही भौतिक शक्ति का प्रयोग रहता है यह वीरता है सही है सही है तो जब आप उदाहरण के लिए जब आप स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं और उनको न्याय का कंटेंट यदि आप प्रस्तुत करते हैं अपनी बौद्धिक और भौतिक शक्ति से तो वो वीरता हुई ठीक <laughs> है कि नहीं वीरता hmm. तो फिर हम लोग आ रहे थे कि विचार भाषा हम्म hmm, तो तो अब अनुभव यह बड़ी चीज है इसे हम कहते हैं अनुभव भाषा को सूत्रात्मक हम कहेंगे ये तृप्ति बिंदु है अनुभव होना मतलब तृप्ति बिंदु होना तृप्तियां ये अनुभव है जो सूत्रित होकर के हम व्यक्त करते हैं अब ये जो तृप्तियां हैं इन तृप्तियों को हम विचार में बदलते हैं उसको विचार में ले आते हैं तो उन विचारों की भाषा है और विचार की भाषा में हम रचना करते हैं तो तर्क तैयार होता है जैसे मैं अभी छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि भाई इतने लोग बैठे हैं ये कम्युनिकेट कैसे हो तो मैं एक फिलहाल है तो सच्चाई परिवार नाम से तो सच्चाई है ये सच्चाई है फिलहाल इस सच्चाई को एक तर्क समझने के लिए परिवार में जो संबंध है उन संबंधों का एक तर्क में प्रयोग कर रहा हूं जिससे कि ये जो तृप्तियां हैं ये हमारे विचार में आए बढ़िया तो हम लोग चाय के लिए ब्रेक लेते हैं पंद्रह मिनट में वापस कितने बजे हाँ आधा घंटे का ब्रेक है आधे घंटे का ब्रेक है नमस्कार धन्यवाद थैंक यू जीना पे है रोजमर्रा रोज की जिंदगी को देखें ज्यादा फोकस हमारा क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है रोजमर्रा की जिंदगी को देखें ज्यादा फोकस हमारा क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है कैसे जीना पे, पे है जॉब कैसी होगी कपड़े कैसे होंगे गाड़ी कैसी होगी मकान कैसा होगा फ्यूचर कैसा होगा ये सारी चीजों को मिला के हम मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि हम जिंदा रहने में और क्वालिटी क्या हो सकती है है ना कहीं ना कहीं इस तरह की बातें ज्यादा क्यों जीना है इसकी क्लैरिटी नहीं है और कैसे जीना है पे पूरी मेहनत हो रही है कहाँ जाएगी जिंदगी क्यों जीना है का पता नहीं है हम सूटकेस लेके घर से निकल गए हैं कहाँ जाना है ये तय नहीं है तो कौन सी ट्रेन में बैठेंगे हम सूटकेस लेके निकल गए मतलब जन्म हो गया मतलब सूटकेस लेके निकल गए ना हम मानव रूप में इस धरती पे आ गए तो हम सूटकेस लेके निकले ही हुए हैं लेकिन किस ट्रेन में बैठेंगे कितने प्रतिशत लोगों को समाज में क्लैरिटी है कि वो क्यों जी रहे हैं कितने प्रतिशत लोगों को समाज में ये क्लैरिटी होगी कि वो क्यों जी रहे हैं क्या अंदाजा लगता है उसके बाद भी हंस लेते हैं क्या बुरा है ये अपने आप में अद्भुत बात है कि नहीं है कि हमको नहीं पता है कि मैं क्यों जी रहा हूं मुझको अपने पर्पस का पता नहीं है लक्ष्य का पता नहीं है मैं केवल एक भीड़ में शामिल हो गया हूँ और भीड़ जो कर रही है मैं भी उसको करने लगता हूँ इसलिए बार बार जिंदगी कहती है कुछ तो गैप है कुछ तो गड़बड़ है बहुत सारे लोग सोचते थे कि कुछ जो भी एक अच्छी नौकरी एक अच्छा है ना कुछ कुछ हो जाए बच्चे सेटल हो जाए ऐसे तमाम लोग समाज में मिलेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका डिटेल जो है सभी ग्रुप का डिटेल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा आप सभी अपना अपना नाम उसमें चेक कर सकते हैं और जो ग्रुप डिस्कशन का प्लेस है वो यहाँ इस ऑडिटोरियम में नहीं रहेगा वो नीचे इस फ्लोर के नीचे ये थर्ड फ्लोर है सेकंड फ्लोर पे मेरे लेफ्ट साइड में दस रूम हैं वहाँ सभी रूम पे ग्रुप नंबर लिखा हुआ है वन टू टेन ग्रुप में आपको बैठना है हर ग्रुप में पच्चीस लोग होंगे उसमें से दस लोग सोसाइटी के होंगे और पंद्रह लोग हमारा यहाँ पे आत्मीय स्टाफ होगा तो पच्चीस का ग्रुप है और हर ग्रुप में दो ग्रुप लीडर रहेंगे तो उनकी डिटेल आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में तो आ गई होगी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं एक बार हम यहाँ पे डिस्प्ले में भी ग्रुप लीडर दिखा देते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सभी ग्रुप लीडर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हैप्पी टू हेल्प वाला लोगो उसमें लगा होगा लगभग सभी सेल मेंबर्स हैं या और दो चार लोग भी उसमें हो सकते हैं तो अंकित भैया अभी डिस्प्ले में आपको दिखाएंगे ग्रुप लीडर का नाम उसमें दस मीन्स बीस ग्रुप लीडर हैं और लिस्ट भी हम थोड़ा डिस्प्ले कर देते हैं फटाफट तो आपको आइडिया आ जाए कि आपका नाम किस में है तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे ग्रुप लीडर पे लग हाँ ये दस ग्रुप हैं ફર્સ્ટ ગ્રુપ મેં ગ્રુપ લીડર ખ્યાતિ મેમ ઓર ખુશબુ મેમ સેકન્ડ ગ્રુપ મેં ચેતના ગોહિલ પારુલ માંડવિયા થર્ડ ગ્રુપ રચના જોશી શિવાની ટાક ફોર્થ ગ્રુપ સમીક્ષા મેડમ ડિમ્પલ મેડમ ફિફ્થ ગ્રુપ જીગર સર ગોવિંદ સર સિકસ્થ ગ્રુપ અંકિત સર દર્શન સર સેવન્થ ગ્રુપ વિશાલ છાયા રોહિત રોહિત રાવલ સર એટ ગ્રુપ જય પટેલ વિજય દંદવાણી नाइन्थ ग्रुप युवराज सर मनर सर और टेंथ ग्रुप दर्शना मैम और निशा मैम ये दस ग्रुप में हर एक में पच्चीस लोग होंगे तो ग्रुप बाय ग्रुप मैं नाम डिस्प्ले करता हूँ फटाफट स्क्रॉल करते हैं आप देख लीजिए ये सभी डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सअप ग्रुप में भी हैं और हर एक ग्रुप का ये सभी नाम है पहले दस लोग सोसाइटी के होंगे और नीचे जो पंद्रह लोग हैं वो हमारे स्टाफ के होंगे तो आप इसमें अपने नाम देख सकते हैं या अपने ग्रुप में जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो सभी नाम आप वन बाय वन देख सकते हैं अभी भी आप फोटो या कुछ निकालना हो तो डिस्प्ले में एक थोड़ी देर ऊपर का डिस्प्ले रखेंगे थोड़ी देर नीचे का पंद्रह लोग है उसका डिस्प्ले रखेंगे तो सर नीचे डिस्प्ले बिला दस ये फर्स्ट ग्रुप का है अगर आपको फोटोग्राफ निकलना ये सेकंड ग्रुप है पहले दस लोग ग्रुप टू फर्स्ट टेन सोसाइटी से हैं ये ग्रुप टू है और नीचे पंद्रह लोग हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं इलेवन टू ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट ग्रुप थर्ड ग्रुप दिस इज थर्ड ग्रुप रचना मैम और पहले दस लोग हैं वो सोसाइटी से रहेंगे और नेक्स्ट पंद्रह लोग हैं वो स्टाफ से रहेंगे फोर्थ ग्रुप समीक्षा मैडम इसमें भी पहले दस लोग हैं इसमें कई बार ऐसा होगा कि जो ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप लीडर है उनके भी नाम होंगे तो वो वहां पे नहीं होंगे तो वहां पे उनका एप्सन नहीं होगा वो कहीं और पे अटेंड कर रहे होंगे फिफ्थ ग्रुप जिगर सर पहले दस लोग सोसाइटी से हैं और बाद में नीचे ये स्टाफ मेंबर्स हैं नेक्स्ट सिक्स ग्रुप अंकित सर नेक्स्ट फिफ्टीन मेंबर्स स्टाफ से हैं सेवन ग्रुप विशाल सर एट्थ ग्रुप जय सर नाइंथ ग्रुप युवराज सर टेंथ ग्रुप दर्शन दर्शना मैम लास्ट ग्रुप में सोसाइटी के मेंबर्स हैं और उसमें कुछ खाली स्पेस भी है अगर किसी का नाम अगर मिसिंग हो या नहीं मिल रहा हो तो लास्ट ग्रुप में आप बैठ सकते हैं वहाँ पे ट्वेल्थ हैं और वहाँ पे कुछ खाली स्पेस है वो तो आप वहाँ पे एंट्री करके टेंथ ग्रुप में भी बैठ सकते हैं सभी ग्रुप लीडर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने जो ग्रुप का जो शीट है वो मुझसे कलेक्ट कर लें और आप सभी से विनंती है कि आप सभी ग्रुप में रेगुलर बैठें क्योंकि वहाँ पे आठ दिन एक दिन तो सेकंड uh, डे से आपकी अटेंडेंस होगी तो सभी ग्रुप लीडर्स वहाँ पे एबसेंट या प्रेजेंट होगी क्योंकि उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट इशू होगा तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो दो से तीन बजे तक वहाँ पर प्रेजेंट रहें वो मिस ना करें सेशन और सभी फैकल्टी मेम्बर से भी रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पर दो से तीन बजे तक ग्रुप में प्रेजेंट रहें ग्रुप में दो तीन इंस्ट्रक्शन है ग्रुप uh, लीडर से इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको चेंज ना किया जाए क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बी की एग्जाम्स चल रहे हैं तो जैसे स्टूडेंट बैठते हैं वहीं पे वैसे ही बैठ के हम डिस्कशन करेंगे और ग्रुप डिस्कशन का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ऐसा होता है कि सभी लोग जो लोग यहाँ पे इतने सारे ग्रुप में तीन लोगों के ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं तो छोटा बीस पच्चीस का ग्रुप रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी ग्रुप लीडर हैं उन्होंने ऑलरेडी मिनिमम फाइव टू टेन आठ दिन के वर्कशॉप किए हुए हैं और छः महीने का अध्ययन भी किया हुआ है तो शायद उनसे आप कुछ डिस्कशन करेंगे तो उनसे आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है नहीं तो आप कोई भी क्वेरी पूछेंगे तो हम वो भैया के साथ शेयर करेंगे और भैया उसका कुछ सॉल्यूशन इसी वर्कशॉप में आपको देंगे या आगे आप उनसे भी पूछ सकते हैं तो जीडी का जो शीट है उसके बैक साइड में आठ दिन का कुछ समरी लिखना है तो एवरी डे ग्रुप लीडर इज रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन द समरी के कौन से क्वेश्चन हुए या क्या शेयरिंग हुई तो बैक साइड में प्रिंट में डे वन डे टू डे एट की समरी है तो आप ग्रुप लीडर से रिक्वेस्ट है कि वो पीछे लिखें कि कौन से प्रश्न हुए या आपने कुछ समरी शेयर की है तो उसका थोड़ा डिटेल लिखें और किसी को भी क्वेरी हो नाम नहीं मिल रहा है आपको ग्रुप में किस ग्रुप में जाना है आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में से फाइंड करके आपको देंगे लेकिन एक बजे के बाद जब ब्रेक हो तब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हम आपको आपका नाम ढूंढ के देंगे ठीक है और मैं भैया को माइक हैंड ओवर करता हूँ प्लीज़ भैया नमस्कार फिर शुरू करें तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि समझ में कैसे आएगा तो उसकी एक पृष्ठभूमि है समझ में कैसे आएगा तो उसकी एक पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में मानवीय भाषा बैकग्राउंड है इस शिविर में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे और हो सकता है वो शब्द सब आपके परिचय में भी होंगे कुछ सुने होंगे कुछ नहीं भी सुने होंगे उन शब्दों का अर्थ है और ऐसे अर्थ की वास्तविकता है तो हमें वास्तविकता को समझना है तो वास्तविकताओं को समझने के लिए ऐसे वास्तविकताओं का जो वर्णन है ऐसा वर्णन समझदार मानव कैसे व्यक्त करता है ये यदि हमको स्पष्ट हो गया तो फिर हम भी समझने के क्रम में समझदार होने के क्रम में वास्तविकताओं को व्यक्त करने के क्रम में हम भी अपनी भाषा को उन्नत करेंगे इसलिए एक मुद्दा सुलझ गया ऐसा मैं कह सकता हूं कि भाषाओं की लड़ाई से कुछ निकला नहीं अभी तक नहीं निकला बल्कि उसमें ही फैला है भाषा को बोलने से मानव श्रेष्ठ नहीं कहलाता भाषा के मूल में भाव होते हैं इन भावों को समझदारी के धरातल पर जब व्यक्त करता है तो फिर मानव की श्रेष्ठता का एक प्रमाण होता है है नहीं कि इसलिए भाषा सीखना भाषा का जो संकेत है उसमें जो अर्थ है उस अर्थ को समझना <coughs> अब हम उसको थोड़ी देर के लिए वास्तविकता से जोड़ के देखते हैं इसको हम कहेंगे ध्वनि ध्वनि सुना है कि नहीं ध्वनि प्रकृति में ध्वनि है कि नहीं है प्रकृति में ध्वनि है है जैसे उदाहरण के लिए पानी का आवाज आता है और और पक्षियों का आवाज आता है अब थोड़ा थोड़ा नजदीक जाने लगे अपन लोग पक्षियों का आवाज आता है की आवाज। की आवाज। हाँ एक सुनामी की भी आवाज आती है तो ध्वनि का अस्तित्व है और ध्वनि के संकेत को हम इंटरप्रेट करते कितने लोग जंगल में गए हैं यानी जो ओरिजिनल जंगल है ना ऐसे ऐसे नहीं मतलब ओरिजिनल कौन से कौन से गिर वाह वाह बढ़िया भाई कम से कम नजदीक है गिर तो गए हैं शांति का अनुभव किए हैं वहां हाँ जंगल में जो सबसे सुखद अनुभव आता है वो शेर मिले ना मिले लेकिन क्या मिलता है देखो पर शांति का मतलब सारा चुप चुप है नहीं है हमारे कान अपने आप ही हम तीव्र हो जाते हैं और कहीं कुछ बजा तो हम अलर्ट हो जाते हैं क्यूरियस होते हैं तब तो फिर स्पष्ट आवाज आती है फिर हम पहचानते हैं यह कौन से पक्षी की आवाज है पहचानते हैं कि नहीं इसका मतलब जंगल में जो जो वास्तविकताएं हैं पक्षी के रूप में हो पेड़ के रूप में हो हवा के रूप में हो इन सभी वास्तविकताओं का एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम ऑब्जर्वेशन से स्पष्टता से पहचान पाते हैं तो हम भी एक रियलिटी है मानव की भी एक रियलिटी है फिर मानव का ध्वनि कौन सा है उस ध्वनि के बारे में हम लोग कंफ्यूज हो गए तो जो हमारे विचारों में जो ध्वनि है वो ध्वनि अभी द्वंद्वात्मक है क्या मानव का ध्वनि द्वंद्वात्मक है तो हम ही जांचते हैं कि यदि हमारे में द्वंद्व यदि लगातार चलते रहेंगे तो यह ध्वनि हमको स्वीकार नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि यह ध्वनि टर्बुलेंस क्रिएट करता है डिस्टर्बेंस है और जब विचार सुलझ जाते हैं तब एक हारमोनी का ध्वनि आता है एक संगीत बचता है जब हम शांत रहते हैं मन ठीक रहता है मन लगता है उस समय एक ध्वनि आता है उस ध्वनि को हम हारमोनी कहते पर ऐसा यदा कदा मिलता है बाकी जो ध्वनि है वो क्योस है टी के अच्छा ये छुपता नहीं ये संकेतों से व्यक्त होता ही है बढ़िया ऐसा है कि नहीं फिर मानव का ध्वनि कौन सा है कौन सा शुद्ध ध्वनि है जो ओरिजिनल है ऐसे ध्वनि की पहचान होने के लिए हमें भाषा पकड़ना जरूरी है मानव भाषा समझ में आना जरूरी है तो हम पहचान सकते हैं। इसलिए भाषाओं की लड़ाई से शायद ही कुछ मिला ना कुछ मिलेगा पर भाषा के मूल में भाव है और यह भाव ध्वनि स्वरूप में है तो हमारे भावों का ध्वनि क्या है यह पहचानने के लिए इस ध्वनि की जो अरेंजमेंट है अरेंजमेंट चार मुद्दों पर अभी दिखती है अनुभव का एक ध्वनि है इस अनुभव को जब हम विचार में ले जाते हैं तो विचार का ध्वनि है इसको हम व्यवहार में ले जाते हैं तो व्यवहार का ध्वनि है और हम कार्य में ले जाते हैं तो कार्य का ध्वनि है इस प्रकार से मानव अपने भान भावों को संपूर्णतया व्यक्त कर सकता है और हमें यही चाहिए और अगर इसमें से कुछ भाग रह गए तो उसको हम रहस्य कहते ये हमारे लिए ही रहस्य है और यदि परिवार के संबंधों में यदि यह रहस्य पनपने लग गया तो फिर उसके जो परिणाम है ये परिणाम हम आज देख ही रहे हैं। तो संबंधों में संपूर्णतया अभिव्यक्त होने के लिए मेरा ऐसा सोचना हो रहा है कि हमें भाषा अवगत होना मानव भाषा अवगत होना आवश्यक है क्योंकि मानव अनुभव भी करता है मानव विचार भी करता है मानव व्यवहार भी करता है मानव कार्य भी करता है तो अब मैंने यहां चार शब्द प्रयोग किए इन चार शब्दों को हो सकता है हमारी भाषाओं में हम कहते जरूर होंगे शब्द बोलते जरूर होंगे पर उसका अर्थ क्या है मीनिंग क्या है इसका पर्पज क्या है उस पर शायद हम अनभिज्ञ होंगे थोड़ी देर के लिए अगर अनुभव शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो वहां मतभेद दिखते हैं यहां जितने लोग बैठे हैं दो ढाई सौ तीन सौ लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति अनुभव बोलता तो है कि मैं मेरे को ये अनुभव आया किसी को कुछ अनुभव आया किसी को कुछ अनुभव आया और अगर हम इन अनुभवों को जोड़ने जाएंगे तो किसी का अनुभव किसी से मिलता हुआ नहीं नजर आता है जबकि हम काम साथ में कर रहे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग है और मजे की बात प्रत्येक व्यक्ति परिवार का यह चाहता है कि यह अनुभव हमारी संतान को मिले जो अनुभव मैंने पाया यह अनुभव दूसरों को मिले ऐसा सोचता है परंतु दूसरे व्यक्ति का कुछ दूसरा ही अनुभव आता है इसलिए यह अनुभवों में मतभेद है जहां मतभेद है फिर वह अनुभव नहीं कहलाता यदि हमारे अनुभवों में मतभेद है तो फिर हमारे विचारों में क्या आएगा विचारों में क्या आएगा मतभेद आएगा फिर व्यवहार में क्या आएगा मतभेद और कार्य में क्या आएगा वो तो है ही तो परिवार में जीना मतलब मतभेदों के साथ जीना या एक सूत्रता के साथ जीना तो मतभेद के साथ जीना स्वीकार नहीं होता है और अगर ये मतभेद गहराते जाएंगे तो फिर परिवार में जीना प्राण संकट होता है तो क्या ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन वास्तविकताओं को हम अनुभव कर सकते हैं और सबके लिए अनुभव एक हो ऐसा अनुभव का आश्वासन हमें मिला है ऐसे अनुभवों को मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद ऐसा कहा गया तो श्रद्धे ए नागराज जी ने एक आश्वासन दिया कि जो अनुभव मुझको आया है वो अनुभव आपको भी आएगा वो अनुभव सभी को आ सकता है इस आश्वस्ति के साथ मैं भी इस दर्शन में समझने का प्रयास कर रहा हूं और यही अनुभवों का वर्णन भाषा रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं उसको कहेंगे सूचना इंफॉर्मेशन है ये सूचना है अनुभव की सूचना है इस अनुभव के आधार पर जो हम विचार करते हैं ऐसे विचार की सूचना है ऐसे विचार के आधार पर व्यवहार क्या हो सकता है ऐसे व्यवहार की सूचना है और ऐसे व्यवहार के आधार पर कार्य क्या हो सकता है उसकी सूचना है तो इन सभी सूचनाओं को वांग्मय कहते हैं जो पुस्तकों के रूप में है और इन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं यानी सुनते हैं उस सुनने की क्रिया का नाम है श्रवण उसको हम सुनते हैं सुनकर हम उसके अर्थ समझने का प्रयास करते हैं उसका नाम है मनन ऐसे तो समझ में आने की प्रक्रिया है तो प्रस्ताव है कि समझदार होने के लिए प्रस्ताव है यह जो अनुभव का आश्वासन मिला अस्तित्व में जो अनुभव हुआ ऐसे अनुभव को हम सप्ताह भर सुनने का प्रयास करते हैं सूचना के माध्यम से ऐसा होने से क्या होगा तो ऐसा होने से हमें अनुभव को सुनने से जो एक बड़ा उपकार है वो उपकार है हमें लक्ष्य समझ में आता है लक्ष्य क्या है आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम लक्ष्य को समझने के लिए बाध्य भी हो गए हैं तो यदि हमें लक्ष्य समझने की बाध्यता है उस स्थिति में जिसको ये अनुभव हुआ जिन्हें ये लक्ष्य मिला उस अनुभव को समझने की एक आवश्यकता बनती है बाध्यता क्यों है क्योंकि पुनः हम परिवार में लौट आते हैं परिवार में हम सभी रहते हैं एक हमारा छत भी है यहां बैठे हुए सभी व्यक्ति जो परिवार से आए हैं सभी को एक छत तो मिली हुई है कि नहीं इसको भाषा रूप में लीजिए अब छत मिला है मतलब क्या कह रहे हैं एक घर है देखिए कहां से कहां आ गए अब हम भाषा क्या प्रयोग करते जब हम घर है बताते हैं तो हम क्या क्या बोल बोल जाते हैं हाँ हाँ ये देखिए ये फैल गया रायता फैल गया कि नहीं बताना क्या है कि हमारे हमारे परिवार को भी एक क्या मिल गया है एक छप्पर है थोड़ा सा और बोल दिए तो हम क्या कहेंगे कि हाँ हमारा भी एक क्या है घर है पर घर छूटी किया और क्या बताने लग गए हम्म फैल गए फिर वो दूसरा सुनना बंद कर देता है नहीं सुनता सुविधाओं को क्या सुने घर है पर घर में रहने वालों का पर्पज क्या है वो सुनना चाहते परपस तो मिसिंग दिख रहा है इसलिए निष्कर्ष आया यह भी निष्कर्ष देख लीजिए कि यह कहना बन रहा है कि एक छत के नीचे रहते जरूर है पर जीते नहीं है आपको क्या लगता है हम छत के नीचे रहते हैं जीते हैं जीने जीने के लिए क्वालिफायर है लक्ष्य होना जब हम ये कहेंगे कि एक छत के नीचे हम रहते भी हैं जीते भी हैं जब हम कहते हैं कि हम जीते हैं तो फिर उसका अर्थ निकलता है कि जीने का कोई लक्ष्य है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य अलग अलग है ऐसा है कि नहीं प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य अलग अलग है तो जब लक्ष्य अलग अलग है तो प्रत्येक परिवार सदस्य के कार्यक्रम भी अलग अलग है और हम तो सोचते कि हम परिवारजन एक दूसरे से मिलें मिलने का मतलब है हमारा भाव जुड़े भाव जुड़ने के लिए अब हमको समझ में आ रहा है लक्ष्य एक होते हैं तो भाव जुड़ता है कार्यक्रम एक होंगे तो भाव जुड़ता है अभी लक्ष्य भी अलग है कार्यक्रम भी अलग अलग है इसलिए फिर एक छत के नीचे हमारा रहना ही हो रहा है हर एक के कार्यक्रम अलग अलग है एक जने उठता है कार्यक्रम करता है कार्यक्रम करके लौट आता है <laughs> तो फिर हम ये कहते सुने गए हैं कि फिर परिवार में हम रहते एक दूसरे के हमारे विचार मिलते नहीं हैं प्रत्येक सदस्य का अलग दृष्टिकोण है और इस सब का एक नाम है उसको हम कहेंगे विरोध फिर विरोध है विरोध से चलता नहीं ये भी हमको समझ में आ गया तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं समझौते करते हैं क्योंकि विरोध के साथ जिया नहीं जाता तो विरोध के साथ जिया भी नहीं जा रहा है और एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे इस स्थिति का नाम है पीड़ा दुख समस्या इस स्थिति को हम कहते हैं यह समस्या है कि पीड़ा है क्या चीज की पीड़ा है अब पैसे की पीड़ा नहीं है सुविधाओं की पीड़ा नहीं है इंद्रिय सुखों की पीड़ा नहीं है पीड़ा है हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है और फिर गैप आ रहे हैं ये गैप का मतलब है दूरियां आ रही हैं छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं हैं और धीरे धीरे उसका जो असर है उन दूरियों का असर हमारी भाषाओं पर प्रभाव आता हुआ दिखता है धीरे 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 भाषा या हमारा बोलना है व्यक्त होना है ये कम होता नजर आ रहा है और फाइनली चुप होना बन रहा है हम चुप हो गए जहां व्यक्ति चुप होने लगा वहां उसमें कुंठा भरता है जो व्यक्त होता है वो व्यक्ति सही है जो व्यक्त नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा उस स्थिति में ये कुंठाएं हैं और इन कुंठाओं के जो उद्रेक हैं वही जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे उसी के अलग 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 अलग, -अलग फॉर्म है विकार पैदा हो गए तो यदि हमें मानव को समझना है तो मानव के भावों को समझना होगा और भावों की जो व्यक्त होना है यह मानवीय भाषा है तो मानवीय भाषा चार डायमेंशन में है मानव के जो अनुभव में आता है वो अनुभव की भाषा इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या अनुभव का अब हम सोचेंगे कि अतृप्तियां पीड़ा समस्याएं यह अनुभव है या तृप्तियां समाधान ये अनुभव में और अगर तृप्तियां हैं समाधान है तो फिर उसका आधार क्या है उन आधारों को समझना और ये आधार मौजूद है सदा सदा मौजूद है उस आधार को कहा जा रहा है अस्तित्व द वेरी एग्जिस्टेंस ये समझना होगा और ये जैसा हमने ये जो एग्जिस्टेंस है ये जो स्रोत है इस स्रोत को हमने खराब करना शुरू कर दिया इसलिए हमारे में ये सारा समस्याओं का एक सिलसिला थम नहीं रहा है क्योंकि जो ये स्रोत हैं, उन स्रोत ही अभी अध्ययन के लिए समझने के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए ये सारे स्रोत पर हम धीरे धीरे उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं हम सभी को बचपन से जो एक चीज बहुत जबरदस्त प्रभाव करती है वो है नेचर प्रकृति यह हमारे ऊपर प्रभाव किया हुआ है हवा पानी पेड़ पौधे ये बचपन में हमको काफी प्रभावी करता है क्योंकि हम इन सबको समझना चाहते हैं जैसे घर में चीटी चल रही है तो बच्चे देखे होंगे वो चीटियों के पीछे रहते हैं कीड़े चले तो कीड़े को पकड़ते ये जो गति करता है ये सब क्या चीज है ये क्यूरियोसिटी है <laughs> पर हम लोगों के घर देखिए टू हाइजीनिक चींटी जैसे दुश्मन है ऐसे पीछे पड़ते कीड़ा जैसे दुश्मन है ऐसे हम लोगों ने कड़े कोट बंदोबस्त कर दिया और हमारी संतान को नेचर का कोई एक्सपोजर नहीं है जब नेचर का एक्सपोजर नहीं है तो हम नियम से दूर 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 चले आए आज इन स्रोतों के बारे में जब हमको कम्युनिकेट करना होता है तो फॉर्चुनेटली कुछ गिर है कुछ लोग गए भी हैं उस शांति को पहचाने हैं कि जब सब चीज व्यवस्था में रहती है तो शांति रहता ही है हमारे मन में अशांति है इसका मतलब हम वी आर नॉट इन ऑर्डर हम व्यवस्था में नहीं है औ, और तो और हमें क्या हो रहा है उसको बताने के लिए भी हमारी भाषा भी व्यवस्थित नहीं है सोचते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं होता कुछ और ही है तो आइए समझकर ये जो एक आश्वासन मिला कि अस्तित्व में अनुभव किया जा सकता है तो ऐसा अनुभव करने के लिए क्या क्या वास्तविकताएं हैं उन वास्तविकताओं के डिस्क्रिप्शन सुनते हैं समझने का प्रयास करते हैं और क्या कोई सबको ही समझ सकते हैं हां सभी समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक वरदान है जो हमारे मानव होने का प्रमाण है पुख्ता प्रमाण है छोटे से लेकर बड़े तक उस प्रमाण का नाम है हम सब की कल्पनाशीलता ये प्रमाण है हम सभी कल्पना करते हैं जो अभी तक हमने कल्पना की है वो मानव योग्य नहीं है जैसे पैसे की कल्पना करते हैं ये मानव योग्य नहीं है हम संग्रह सुविधा की कल्पना किए ये मानव योग्य नहीं है हम इंद्रिय सुखों की कल्पना किए यह मानव योग्य नहीं है फॉर सिंपल रीजन ये सब हम करने गए हम अपराधी हो गए इसलिए यह अमानवीय है तो फिर मानव योग्य कल्पनाएं क्या हैं और उसका आधार क्या है आधार है अस्तित्व उस अस्तित्व के हम कुछ झलकियां सप्ताह भर लेने का प्रयास करेंगे और यह जो चार डायमेंशन की भाषा है यह भाषा हमारे सम्मुख आएगी जैसे एक उदाहरण अनुभव का जैसे कहा कि पीड़ा है निराशा है समस्याएं हैं यह अनुभव नहीं हो सकता तो फिर अनुभव क्या हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा शब्द अर्थ और वास्तविकता यह एक छोटा अभ्यास हम कर लेते हैं थोड़ी देर और फिर हम आगे बढ़ते हैं बोलिए कुछ प्रश्न है इधर आप भाषा जो लिखा है वो अभिव्यक्ति या फीलिंग है भाषा का इधर मतलब क्या है बहुत अच्छा भाषा का इधर मतलब है भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द समूह हम जोड़ते हैं उसको हम भाषा हैं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम शब्द जोड़ते हैं ना उससे वाक्य बनता है अनेक वाक्य बनते हैं यह सारा जो मिलाया उसको हम कहेंगे भाषा ठीक है कनेक्ट हो रहा है तो अभी हम एक छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं देखिए और फिर आपको भी इसमें अच्छा लगने लगेगा यह तर्क है अच्छा लगना जरूरी है ज्ञान की भाषा से हमें अच्छा लगना एक आवश्यक है तो तो ज्ञान का श्रवण होगा देखिए एक छोटी एक्सरसाइज शब्द हैं, शब्दों का अर्थ है और अर्थ की वास्तविकता है ऐसे वास्तविकताओं का हमें होना है अनुभव शब्द हैं शब्दों के अर्थ होते हैं और ऐसे अर्थ की वास्तविकता होती है एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल जैसे अंधेरा अंधेरा एक शब्द है अब इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिए कितने बार हम हमारी जिंदगी को रिप्रेजेंटेश करने के लिए हम अंधेरे का प्रयोग करते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या है हाँ देखो हाँ अंधेरा ही अंधेरा है <laughs> अभी हम आंखों से रिलेट करते यानी यहां की सारी लाइट चली जाए तो फिर इस हॉल में अंधेरा होगा और हमें दिखाई नहीं देगा देखिए सूक्ष्मता यानी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस स्थिति में मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में क्या है अंधेरा ही अंधेरा है जहां अब मैंने है बोला है कहने से वर्तमान होता है देखिए है ना सूक्ष्मता जब मैं किसी चीज को है की भाषा में करता हूं तो वो होता है वर्तमान जब मैं किसी चीज को था की भाषा में बात करता हूं तब तो वो होता है भूतकाल और जब किसी चीज को मैं होगा की भाषा में बात करता हूं तब तो होता है भविष्यकाल तो इसका मतलब है कि जब मैं कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अंधेरा है तो है मतलब क्या हुआ वर्तमान तो अब हम अंधेरा शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थ क्या हुआ अंधेरे का अर्थ क्या है अंधेरा हुँ? 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 और और अच्छे से कोई विजन क्लियर नहीं है वेरी गुड बहुत अच्छा और लक्ष्य क्लियर ना हो और बोलिए हां एबसेंस ऑफ लाइट अभी हम फिजिकल मीनिंग से चलते और फिर धीरे धीरे हमारे जिंदगी से उसको जोड़ के चलते हैं फिजिकल मीनिंग में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो अंधेरे का अर्थ है प्रकाश का अभाव प्रकाश का अभाव को हम अंधेरा कहेंगे अब अब जांचने जाते क्या ऐसी वास्तविकता है क्या ऐसी वास्तविकता है क्या अंधेरे का अस्तित्व है किस आधार पर कह रहे हाँ का अस्तित्व नहीं है प्रकाश का अभाव है क्या इसकी अस्तित्व है इसकी वास्तविकता है अंधेरा हमने पकड़ा शायद सभी लोग अंधेरे को पकड़ते हैं अभी हमारे धरती के रोटेशन से पकड़ते है कि नहीं तो पहली बात तो ये कि धरती का कोई ना कोई भाग हमेशा सूरज के सम्मुख है यह बात है कि नहीं तो धरती की छाया आ रही है किसी भाग पर धरती की ही छाया आ रही है उस छाया को हमने क्या नाम दिया परफेक्ट क्या है धरती का कोई ना कोई भाग सतत और सतत सूरज के सामने है इसका मतलब प्रकाश है कि अंधेरा है यह सोचने की आवश्यकता तो स्पष्ट यह होता है कि प्रकाश का अभाव है अंधेरे का पर अंधेरे की कोई वास्तविकता नहीं है सर्वत्र प्रकाश है सर्वत्र प्रकाश है अब इस प्रकाश को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते अब ये जो हम समझ रहे हैं यह अनुभव की रोशनी में समझते इसका अनुभव होना होगा प्रकाश का तो अब जैसे जो नागराज जी को जो अनुभव हो गया उस अनुभव को एक बार हम समझने की कोशिश कहते तो उनके अनुभव की सूचना में आ रहा है कि प्रत्येक वास्तविकता प्रत्येक वास्तविकता अर्थात एग्जिस्टेंशियल रियलिटी प्रत्येक वास्तविकता जो अस्तित्व में है वह स्वयं प्रकाशित है यह स्वयं प्रकाशित है इसका क्या अर्थ हो गया अब इन वास्तविकताओं को हम समझने की कोशिश करते कि ये वास्तविकताएं क्या क्या हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आया अब देखिए कैसा सूत्रित होता है ये हमको इस वर्णन से समझ में आने का एक हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि जब अस्तित्व में अनुभव होता है तो फिर ये सारी वास्तविकताएं सूत्रित है यही अनुभव में आता है यह बिखरा हुआ नहीं है यह सूत्रित है यह कैसा सूत्रित है तो अस्तित्व अस्तित्व जिसे हम अस्तित्व कह रहे हैं जो भी हम लोग आज अस्तित्व का अर्थ जो भी हम लोग पकड़े होंगे अब ये अर्थ देखिए और यह वास्तविकता देखें अस्तित्व को यहां कहा जा रहा है यह वास्तविकता चार अवस्थाओं में है एक है पदार्थ अवस्था पदार्थ अवस्था यानी मटेरियल। आप देखिए यह मटेरियल स्वयं प्रकाशित है स्वयं प्रकाशित का मतलब है यह प्रकाशमान है प्रकाशमान का मतलब है यह छुपा हुआ नहीं है यह क्रियाशील है जब छुपा हुआ है तभी अंधेरा है प्रकाशित है मतलब यह क्रियाशील है तो पदार्थ अवस्था क्रियाशील है इसका मतलब यह प्रकाशित है क्या क्या आता है पदार्थ अवस्था में हाँ क्या क्या आता है मिट्टी पानी हवा ये सभी ये सभी प्रकाशित है जिसे हम सूरज कह रहे हैं उस जिसको प्रकाश कह रहे हो बेसिकली क्या चीज है उष्मा है सूरज क्या चीज है एक ऊष्मा है जहां कहीं भी ऊष्मा है वहां उसका प्रकाश प्रतिबिंबन होता है तो उसका प्रकाश होता है आग लगा लो तो उसका प्रकाश है ये भी एक ऊष्मा ही है हीट। अब कितनी डिटेल हमको पता है पदार्थावस्था की इसके मूल में क्या है पदार्थावस्था की कण है क्या कहते हैं कणों को क्या कहते हैं हम लोग हां क्या कहते हैं कणों को एटम्स कहते हैं है, है कि नहीं इतनी सूचना तो आ गई मतलब एटम अंधेरे में है या प्रकाशित है तभी तो दिखता है तभी अनुमान होता है अंधेरे में होगा तो कहां से एटम दिखेगा अनुमान तो कर रहे कि नहीं हालांकि एटम अभी माइक्रोस्कोप में नहीं आया लेकिन उसका अस्तित्व है जिसका अस्तित्व है मतलब वो क्रियाशील है क्रियाशील है मतलब प्रकाशित है यह प्रकाशमानता का डिस्क्रिप्शन है अनुभव की रोशनी में अब ये ये जो पदार्थ अवस्था है ये जैसा अभी हमारा मन है हमारी मानसिकता है अभी हमारा उदाहरण लेते क्योटिक मानसिकता है पदार्थ अवस्था भी क्योस है कि ऑर्डर में है हाउ डू यू से हां पदार्थ अवस्था यह भी क्योस है या ऑर्डर में है देखिए यहां से अड़चने हैं क्योर्टिक है जब अगर क्योर्टिक है तो फिर ये बना कैसे रहेगा कुछ भी नहीं बन रहा है है कि नहीं जो क्योर्टिक है वो नियम में रहता है या नियम तोड़ता है तो ये नियम में है या नियम तोड़ रहा है फिर नियम में भी है और क्योर्टिक भी है कुछ एक निश्चित करना होगा इसलिए इसका निर्णय करता मानव है जब हम क्योरटिक हैं तो हम नियम तोड़ते हैं जब हम इन ऑर्डर में हैं तो हम नियम में रहते हैं यह डिसीजन का पॉइंट है कि यदि पदार्थ अवस्था क्योरटिक है तो फिर यहां नियम रोज बदलता लेकिन हजारों हजारों साल हो गए पदार्थावस्था अपने नियम में ही बना हुआ है यही उसकी मर्यादा है इसलिए हम पदार्थ अवस्था को समझ सकते हैं इसलिए पदार्थावस्था प्रकाशित है बढ़िया और मजे की बात है ये जो हमारी आंखें हैं उन आंखों में नहीं आता इसको समझना होता है बोलिए कुछ कहना था भैया जी एक्चुअली जो कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी है साइंस में तो ऐसा कहता है कि जो ये पूरी दुनिया जो लोअर इंट्रॉपी टू हायर इंट्रॉपी जा रही है और कोई चीज़ ऑर्डर में है तो वो डिसमेंटल भी होता है मतलब टूटता भी है तो टूटना और बनने का प्रक्रिया ये तो कंटिन्यूस है बढ़िया हुँ? तो उसको हमने घटनाक्रम से देखा ये टूटता भी है और बनता भी है उसके आगे चलते हैं ये टूटने बनने से देखिए क्या क्या आया टूटने बनने से ही मिट्टी अस्तित्व में आई टूटने बनने से ही पत्थर का अस्तित्व है टूटने बनने से ही हवा है टूटने बनने से ही पानी है ये चार मुद्दे तो हमारे उपयोग के लिए है कि नहीं और ये बना हुआ है तो ये में नहीं है बिल्कुल है ठीक है ऐसा हमारी कल्पना में नहीं आता कि आज मिट्टी दिख रही है कल ये ले लेगा वापस कल मिट्टी गायब हो जाएगी ऐसा नहीं लग रहा है तो ये जो बना हुआ है पदार्थ अवस्था का जो संगठन बना हुआ है इसको हम कह सकते हैं यह दीर्घ अवधि के लिए बना हुआ है भी शब्द दिया दीर्घ अवधि है इतना ही भाषा बनता है यह अनुभव भाषा ये दीर्घावधि के लिए बना हुआ है और अगर हम इसको टाइम स्केल में लेने जाएंगे तो हम टाइम के टुकड़े कर देंगे क्रिया अपने में जगह पर है परेशानी हमको हो गई तब कहना बनता है कि यह दीर्घ अवधि है और यह निरंतर क्रिया कर रहा है ये नियन, निरंतर क्रियाशील है इसलिए यह प्रकाशित है और स्वयं प्रकाशित है तब एक भाषा बनी यह सारी जो क्रियाएं हैं उसको हम कहेंगे स्वयं स्फूर्त हैं इसको कोई चला नहीं रहा है यह अपने आप चल रहा है स्वयं स्फूर्त है ये थोड़ा सा हमारे कल्पना में आए सुनने में आए और हम अब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो पदार्थ अवस्था मिट्टी पत्थर ये, ये इसका हम उपयोग कर रहे हैं परंतु इसके चक्र को नहीं पहचाने इसकी भी एक चक्र है मिट्टी से पत्थर बनता है पत्थर से मिट्टी बनती है इस चक्र को पहचाने बिना ही हमने इसको लेना चालू कर दिया और इतना ले लिया कि अब ये चक्र ही डिस्टर्ब हो गया इसलिए अब हम क्योरिटी है ये खत्म होने जा रहा है ऐसा हमको लग रहा है और हम घबराए गए कि अब ये खत्म होगा फिर क्या और करते करते इसका इतना डिस्टर्बेंस किया कि ये हीट होने लगा जबकि सारा हीट पचाने का व्यवस्था था था कहना पड़ेगा अब। जैसे एक बहुत साधारण उदाहरण है कि जिस जिसके हम ये बिजली जला रहे हैं कोयला जला के आ रही कि नहीं कोयला धरती के नीचे है जितना तापमान धरती की सतह पर है ये कुछ पचाया हुआ तापमान है जो कंड्यूसिव है हमारे लिए इस कोयले को हमने ऊपर लाया कार्बन को हवा में छोड़ दिया और वो जो वो जो कार्बन है उसको पचाने के लिए यहां और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है इसलिए इसको नाम है पोल्यूटंट ये पोल्यूशन हो गया क्योंकि उसको पचाने की व्यवस्था नहीं है ये लोड फैक्टर हो गया और ये लोड फैक्टर अब हमारे लिए ही प्राण संकट बन गया अवस्था तो अपने आप में काम कर ही रही है तो धरती की सतह के नीचे जिसका काम था अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना और धरती के टेम्परेचर को बनाए रखना यह उसका काम था पर हमने उसको सतह से नीचे से ऊपर ले आए इतनी मात्रा में और अभी भी चल रहा है कि अब हम कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है तो कोयले का काम हीट को अवशोषित करना और धरती का तापमान को बनाए रखना कोयले का काम है काले रंग का काम यही ये प्रकाश मानता है और हम जो प्रकाशित कर रहे हैं इस सब सबको डिस्टर्ब करके वो प्रकाश मानता से कहना पड़ेगा अब कुछ आगे रास्ता दिखता नहीं ऐसे ही अस्तित्व में ऐसे ही और एक अवस्था है उस अवस्था का नाम है प्राण अवस्था प्राण अवस्था में क्या क्या आता है हाँ, अब इस ये ये भी क्योटिक है या ये इन ऑर्डर है हम्म, पेड़ पौधे ये भी ऑर्डर में है या ये भी क्योटिक है ये ऑर्डर में है पेड़ पौधे ये ऑर्डर में है ये ऑर्डर में है इसलिए हम इसको अध्ययन कर सकते हैं जो ऑर्डर में है उसी का अध्ययन कर सकते इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वास्तविकता स्वयं प्रकाशित है इसलिए हम इसका अध्ययन कर सकते एप रियलिटी में अध्ययन कर सकते और तो और अब यह जो पदार्थावस्था है और प्राणावस्था अवस्था इनका अंतर संबंध भी है यह देखिए ये भी प्रकाशित है इसका एक अंतर संबंध है यह भी प्रकाशित है इसलिए हम संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो अभी आप लोग सब पढ़ाते हैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं जूलॉजी पढ़ाते हैं यह सारा यहीं का तो मटेरियल है अब हमें सोचना होगा इसके अंतर संबंध सहित संतान को अच्छे से समझ में आएगा विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आएगा कि एक एक टुकड़ा निकाल निकाल करके विद्यार्थी को समझ में आएगा कैसे समझ में आएगा कैसे समझ में आएगा अंतर संबंध सहित समझ में आता है क्योंकि वो रिलेट करते हम टुकड़ा निकाल निकाल करके परेशान है पर अभी तक हमको अंतर संबंध समझ में नहीं आया इसलिए जो आप पढ़ाते हैं ना उसको विषय नाम है विषय का मतलब टुकड़ा ज्ञान का मतलब समग्रता इसलिए ज्ञान का अनुभव होता है और उस अनुभव को हम अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं यह विषय में प्रणाली है यह उसकी अरेंजमेंट है ताकि अध्ययन सुगम हो सके इसलिए उसकी अरेंजमेंट करते नाम दिया जूलॉजी नाम दिया बॉटनी नाम दिया फिजिक्स नाम दिया केमिस्ट्री पर यह सभी अंतर संबंधित है एक मजे का तर्क है सोचते ऐसे कि विद्यार्थी मल्टीडिसिप्लिनरी में पारंगत हो यानी वह सभी विषय में पारंगत हो पर जो पढ़ाने वाला है वो ऐसा नहीं कर सकता ऐसा फैक्ट है कि नहीं जो पढ़ाता है वो तो डर रहा है उसको कि इसका अंतर संबंध अगर अगर अंतर संबंध बिठाया तो फिर अपनी तो गई दुकान ये देखो ये फिजिक्स का मास्टर ये केमिस्ट्री का कैसे 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 रहते हैं कि अपनी भाव भंगी मुद्राओं को थोड़ा सा देखें <laughs> फिजिक्स बड़ा अभी जैसे बिटिया कह रही थी फिजिक्स बड़ा ये देखो हम लोगों के विचार भाषा द्वंद्व फिजिक्स बड़ा कि बॉटनी बड़ा फिजिक्स का विद्यार्थी बॉटनी के बच्चे कैसे देखता है <laughs> माइक्रोबायोलॉजी का बच्चा केमिस्ट्री के को कैसे दिखता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट साइंस वाले को कैसे दिखता है बी ए का बच्चा साइंस वाले को कैसे देखता है साइंस का बच्चा बी ए वाले को कैसे दिखता है इसका मतलब सारा क्यों है? अच्छा उसमें एक भाषा वाला के तो दुर्गति है <laughs> जो भाषा पढ़ाता है उसकी तो दुर्गति उसके तो सारे टुकड़े 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 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको एक तो। एकात कविता गा लेता है फूल की ऐसे ये भाषा है उसकी कुछ दुख दर्द दुखड़े वाले उसी वाली कविता है कुछ व्यथाएं बता देता है वो भाषा है और जो हो नहीं सकता उसके निबंध में प्रधानमंत्री बन गया तो बनता एक ही है <laughs> सबको तो आग लगा दिया तो भाषा वाले की तो दुर्गति है उसका डिपार्टमेंट सुना है उसको कोई पूछता नहीं कॉमर्स <laughs> <laughs> वाले का थोड़ा सा दमदार है उसको पैसा मिलता है फार्मेसी वाले का तो यहां बहुत चलता है भाई तो फार्मेसी वाला जो है वो थोड़ा सा लाड़ प्यार से रखा जाएगा उसको भाई यहीं से तो आते कैसे क्या हो गया अंतर संबंधित जब टीचर कोई नहीं होने हो रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ लेंगे दस सब्जेक्ट अनुभव है समग्रता का यह हमको आश्वासन मिल गया यदि हम अस्तित्व की वास्तविकताओं को समझते हैं वो जैसी है वैसी समझते हैं तो हमें ये सभी जो विषय प्रणालियां हैं उनके मर्म समझ में आते हैं यानी उनके नियम समझ में आते उसका अंतर संबंध समझ में आता है और हमारा जीना सुखप्रद बनता है सुखदायी बनता है अभी हम टुकड़े टुकड़े के एक्सपर्ट बने हुए हैं इसलिए हम उसी टुकड़े में अहंकार से परेशान हैं, ऐसा तो है स्पेशलिस्ट मानसिक दुविधा बताता हूं hmm? विशेष करके ये थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित है आज सबकी चिंता है स्वास्थ्य की है कि नहीं वो हार्ट अटैक का बोल वाला है कि नहीं आप मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया अब उसकी भाषा में अगर बात करें मेडिसिन की तो वो मेडिसिन का विषय है ये विकार को छाती के और आ, हार्ट के अब जब उसकी सर्जरी हो जाती है करना पड़े मान लो तो फिर वो स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया पता है उस मेडिको जो मेडिसिन वाला है कि इसमें कुछ कर सकते लेकिन बोलती बंद है क्योंकि सर्जरी दूसरे ने किया है तो आज हमारा स्वास्थ्य इस प्रकार से ये जो एक्सपर्टीज हैं तमाम अच्छाइयों के बावजूद उसका इंटरडिसिप्लिनरी प्रकाश ये नहीं होने से जिस एरिया में मैं एक्सपर्टी हूं उतना ही दृष्टिकोण उतना ही प्रकाश बाकी एरिया जानते हुए भी अंधेरे में यह है घुटन आप में से कई लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस आए होंगे कि जो सर्जरी करता है वो फिर उसकी भाषा नहीं बोलता फिर वो जो ये बोलता है फिर उसकी भाषा क्योंकि अंतर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं फिर मेरा पेशेंट उसका पेशेंट इसका उसका उसका और बहुत सारा फिर उसका सबका व्यापार कहां है इसमें मानवता और ये सब शिक्षा से ही जा रहे हैं ये सब शिक्षा से ही बाहर आ रहे हैं इसलिए हम सबको इसकी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमको लंबा काम है दीर्घ काम है रातों रात नो देर इज नो ड्रामेटिक चेंज योगेश भैया एक शेयरिंग कर सकता हूँ एक लाइन इसी की बोलिए अभी एक डाटा है कि जो सर्जरी के जो का डाटा है कि जो रिक्वायरमेंट है जो प्राइवेट हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल को जो टारगेट दिया जाता है फोर्टी जो है ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि डॉक्टर को जो करोड़ों रुपए का पैकेज दिया जाता है तो मालिक चैंबर में बुलाता है कि तुम्हारा इस मंथ का और 48 उसका नेट रिजल्ट फोर्टी परसेंट ऑपरेशन जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन किए जाते हैं ठीक तो मुद्दा परिवार का है मैंने कल भी आपको शेयर किया था कि परिवार के सदस्य का यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है देर इज नो डिनाइल पर उसमें जो अतिवाद है और उसमें जो व्यापार तत्व है उसको हमको अच्छे से पहचानना होगा और निर्णय लेने होंगे अब तो मैं ऐसे ही कहूंगा कोई उठा के नहीं ले जाता है हम अपनी इच्छा से या कंफ्यूजन में हम उसमें चले चले जाते हैं, उस दलदल में चले जाते तो हमारा शरीर भी प्रकाशित है ऑब्जर्वेशन पर है जितना हम शरीर का ऑब्जर्वेशन करते हैं उतना ही हमको हमारे स्वास्थ्य की नाड़ियां पता लगने लगती हैं इसलिए हमें परिवार व्यवस्था को सोचना होगा क्योंकि व्यवस्था है तो वो प्रकाशित है हमारी संतान का स्वास्थ्य की प्रथम ऑब्जर्वर तो माता पिता हैं बचपन से संभाल रहे हैं तो पता है क्या चीज खाने से क्या चीज हो जाता है और उस प्रकार से हम उसका एक नियंत्रण कर सकते स्वास्थ्य के लिए उपाय कर सकते तो समग्र दृष्टियां होना यह आवश्यक है इस पर सोचते शरीर भी प्रकाशित है ठीक है अब अगर हम इस शरीर का स्वास्थ्य को नहीं पहचान रहे इसका मतलब अंधेरा है यानी प्रकाशित है ओरिजिनली पर हम नहीं देख रहे हैं ऐसी स्थिति का नाम है भ्रम इसको भ्रम कहते तो इसलिए अब हमारी भाषाओं से अंधेरा अब चला गया या चला जाए अब हमारी भाषा में प्रकाशमानता की भाषा है वास्तविकताएं प्रकाशित हैं हां यह हो सकता है मुझको समझ में नहीं आई है पर क्या यह नहीं आ सकती तो आश्वासन मिला यह आ सकती हैं, उसके लिए हमको समझना होगा प्रयास करना होगा तो हमको समझ में आता है अस्तित्व में कोई चीज ढकी हुई नहीं है किसी ने पर्दा नहीं डाला है यह सबके लिए समान रूप में उपलब्ध है इसलिए सभी समझदार हो सकते यह आश्वासन तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था ये अंतर संबंधित हैं। इस अंतर संबंध का नाम आया अनुभव की रोशनी में भाषा बनी ये सभी क्या है अंतर संबंधित है मतलब उसमें एक नियम है पूरकता उपयोगिता ये नियम है पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए पूरक है उपयोगी है अब यह भी स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो दो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं में भिन्नता है क्या भिन्नता है इसमें और इसमें मिट्टी पत्थर और पेड़ पौधे में अंतर है क्रियाओं में क्या अंतर है, है। हां एक जीवित है एक जीवित हाँ अब देखिए अब सूक्ष्मता 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 में यह समझ में आता है जीवित भाषा ये मोटी भाषा हो गई हम्म सूक्ष्मता सांस लेता है सांस लेता है यानी सांस लेता है तो हमको समझ में आ गया जैसे इसके मूल में अणु परमाणु है वैसे इसके मूल में क्या समझ में आया ये सेल है सांस लेता है प्रकाशित है मल्टीप्लाई करता है इसलिए ग्रोथ है एक सेल दूसरे सेल को बनाता है, है कि नहीं अपने आप है ये नियम है फिर बीज बनेगा फिर बीज का क्या बनेगा वृक्ष बनेगा यह नियम है इसलिए यह है यह है यह था नहीं ये है और रहेगा बीज है तो वृक्ष है रहेगा सही है और यह जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये नियम पास ऑन हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे ये क्या कहलाता है भाषा रूप में क्या कहलाएगा ये सूत्र है उपयोगिता पूरकता ये सूत्र है अस्तित्व में ये भाषा रूप में सूत्र है और होने को क्या हो गया उसको ये अनुभव है इस अनुभव को हम क्या कहते हैं तृप्ति ये तृप्ति है बढ़िया है कि नहीं एक और अस्तित्व में एक और वास्तविकता समझ में आ गई उस अस्तविक वास्तविकता का नाम है जीव अवस्था जीव अवस्था इसमें क्या क्या आता है हाँ इसमें आएंगे पशु पक्षी हाँ आप यह भी ऑर्डर में है या ये भी क्यों और है के <laughs> थोड़ा दर्द बाहर आया परफेक्ट ऑर्डर में है तुलना हमारे साथ हो रही है यह ऑर्डर में है यह भी ऑर्डर में है पशु पक्षी भी ऑर्डर में है अब क्या यह भी अंतर संबंधित है यह भी अंतर संबंधित है फिर पेड़ पौधे और यह जो पशु पक्षी इन क्रियाओं में भिन्नता है वो भिन्नता कौन सी है इसमें भी एक क्रिया भिन्न है हा चलता फिरता है हम्म? इसमें ब्रेन है हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट आया ब्रेन है हार्ट है हड्डियां राइट और एक क्रिया है उसके लिए अनुभव इस क्रिया को पहचानने के लिए अनुभव वो कौन सी क्रिया उस क्रिया का वर्णन आया उस क्रिया का वर्णन आया देखिए पशु पक्षी हम पशु रखते भी हैं कितने लोग हैं जिन जो पशु रखते हैं भले हैं, खुद ना रखते हो घर में कोई रखते हो पशु रखते हैं क्या रखते हैं गाय गाय रखते हैं। और हां कुत्ता ओके ओके ठीक है ठीक है जो भी है ठीक है क्यों रखते पता है कुत्ता क्यों रखते हैं क्योंकि कुत्ता मानता है इसलिए <laughs> हसी है मत भाई अरे फैक्ट वो मानता है इसलिए कुत्ता रख वो अगर नहीं मानता तो रखते क्या उसको उसके कितने तो रील हैं। है ना रील बनाने के लिए अब कम पड़ गया उसका तृप्ति कम पड़ गया तो रील बना रहे कुछ भी कुत्ते से मतभेद होगा घर में जरूर पर क्या करें घर छोड़ नहीं सकते खैर वो मानता है गाय गाय ये थोड़ा सीरियस है कुत्ता छोड़ो उसको रहने दीजिए ना गाय को देखो कितने लोगों के घर में गाय है ये लोग अच्छे से पकड़ते होंगे गाय मानती है इसलिए उसको नाम है पालतू होता है यानी हमारे संकेतों को मानते हैं पर ये मानने वाला कौन है यह नोन है मानता है तभी ले आए उसके साथ हाथ पैर तो वो भी पहचानती है हम भी पहचानते पशु पहचानते हैं एक दूसरे को हम पहचानते पर कौन पहचान कर रहा है आंख कान ब्रेन कौन पहचान रहा है ये अननोन है तो अनुभव की रोशनी में ये क्रिया पर ये क्रिया भिन्न है इतना तो समझ में आया ये मानता है ये समझ में आया केवल सांस नहीं ले रहा है सांस लेने के अतिरिक्त क्रिया है यह है हमारे लिए जिज्ञासा ये मानता कैसे है उसका नाम भी रखते हैं जिसका नाम लिया वही आता है दस जानवर होंगे जिस जानवर का गंगा बोल दिया तो गंगा ही आएगी या गंगा का बच्चा होता है तो गंगा बोलने से गंगा का ही बच्चा आता है ये हम लोगों के रोजमर्रा के देखने में है ये ऑब्जर्वेशन है पर हम सोचें कि मानने वाला कौन है ऐसे ही ऐसे ही एक और वास्तविकता है उस वास्तविकता को हम कहते हैं ज्ञान अवस्था इसमें कौन आएगा इसमें कौन आता है इसमें आता है मानव <clears throat> इसमें कौन सी क्रियाएं है? भिन्न है जो अलग है हुँ? विचार शक्ति ये भिन्न है और हम्म कल्पना शक्ति भिन्न है इस क्रिया को हम नाम देते हैं जानना ये भिन्न है मानव जानने का अधिकारी है जानना चाहता है इसी जानने को हम क्या कह रहे हैं समझदार होना चाहता है समझना चाहता है पुनः वही प्रश्न फिर हमारे में ये जो समझता है ये जो जानना है या ये जो जानता है ये कौन है ये प्रश्न है ये जिज्ञासा है क्रिया तो भिन्न है इसका मतलब जैसे हम सोच रहे हैं एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को और जो रियलिटी नहीं है उस रियलिटी को हम मान बैठे मानव भी प्रकाशित है अब हमारी ही बारी है देखिए कौन से मानव को ऐसा लगेगा कि मैं अंधेरे में रहूं एब्सोल्युटली नो वन नो बडी हरेक मानव को लगता है कि मैं प्रकाशित रहूं हां हालांकि ये जो प्रकाशित होने वाला जो काम है उसकी डायरेक्शन अलग हो गई उसको हम आइडेंटिटी नाम दे देते हैं प्रत्येक मानव को अपनी पहचान का एक फीलिंग तो है पहचान का भाव तो है पर दिशा अलग हो गई और मानव स्वयं पहचान की संकट में आ गया हमने क्या क्या बना लिया पहचान के लिए दो चीजें धन और पद यह हमने पहचान के दो संकेत बनाए धन और पद है कि नहीं यदि धन है तो लगता है कि हम प्रकाशित हैं <laughs> और यदि पद हैं तो और प्रकाशित हैं। इसमें अड़चन क्या आ गई परिवार में नहीं चल रहा है धन और पद है कि नहीं परिवार में कोई धन पद से यदि पहचान हो तो फिर परिवार में व्यवस्था नहीं अव्यवस्था होने लगता है अव्यवस्था का मतलब क्या परिवार सदस्यों के भावों में विषमता आने लगती है क्योंकि परिवार है व्यवस्था है तो निर्णय लेने होते हैं सही है कि नहीं निर्णय सब सब लोग गुजरते हैं उसमें निर्णय लेने होते हैं अच्छा परिवार की व्यवस्था में निर्णय उन्हीं के माने जाते हैं जिनके अधिकार में यह धन है जिनके अधिकार में पद है भाई और बहनों धन पद से अपनी दुश्मनी नहीं है पर उस पद के योग्य भी हैं धन के योग्य भी हैं इन योग्यताओं का कोई पैमाना नहीं है यही आज हमारी व्यवस्थाओं के दर्द है जिसकी योग्य नहीं है वो व्यक्ति पद पर है जितना परिश्रम नहीं है उतना धनवान हो गया सम्मान उन्हीं का है ऐसा है कि नहीं और वो हमारे सबके दर्द है धन पाकर कोई संतुष्ट हो गया वो ऐसा नहीं दिखा उसको अपन गरीब ही लगते क्योंकि उसका एक अगला धनवान खड़ा है दो कैटेगरी में हम लोग बट गए इस चक्कर में साधन संपन्न दुखी दरिद्र साधन विहीन दुखी दरिद्र जो साधन संपन्न है उसको हम अमीर कहते जो साधन विहीन है उसको हम गरीब कहते और आज ये हमारी व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा प्रश्न भी है और दर्द भी है अमीरी और गरीबी यह बढ़ता ही जा रहा है और उसका जो कष्ट है ये कष्ट हमारे परिवार व्यवस्था में अब अंदर आ गया है हम्म कितने सारे एग्जाम्पल है स्कूल में आपके ही स्कूल में बच्चे आते पढ़ने आते कि एक दूसरे का सामान देखते है कि नहीं सामान देखते कल जैसे बात किया था वो किसके पास आई फिफ्टीन आ गया सबको सबका पता है पढ़ाई पे ध्यान कम आगे चलकर पैसा कमा करके मैं कब ऐसा बन जाऊंगा कि ये ये भी मेरे लिए आए फिर इसमें माता पिताओं को अगर थोड़े बहुत सूझबूझ वाले माता पिता होंगे भी बेटा ये तुमको जरूरत नहीं है तो संतान को ऐसा लगता है कि ये गरीब है इसलिए कह रहे हैं ये गरीब हैं दे नॉट अफोर्ड और मान लो पैसे हैं भी तो मेरे को दे नहीं रहे <laughs> ऐसे सब दर्दों से भरे हुए लोग शिविर में आते और मैं कह रहा हूं अनुभव भाषा विचार भाषा अरे बोले सर ये कहां लगाए हम तो दर्दों से भरे हुए हैं आ मेरी गरीबी का संकट छाया हुआ है आई फिफ्टीन चाहिए नहीं मिल रहा ये घर वाले देते नहीं कितना समझाया उसमें ये फीचर है इसमें मेरा पढ़ाई और अच्छा होगा मैं बताऊंगा ना आपको कमा करके फिर वो किसी समय वो कुछ भाषा बनने लगती है बिगड़ने लगती है और वो किसी ना किसी की तो भाषा लग गई लग गई तो किसी के ईगो को चैलेंज हो गया अब तो बन के ही बताना है ये भीतर सुलग गया आग और करने लगा तैयारी कुछ सफल हो गए कुछ असफल हो गए सो कॉल्ड सफल हो गए मतलब साधन संपन्न हो गए असफल हो गए मतलब तुलनात्मक साधन विहीन हो गए भरे पूरे अस्तित्व में जहां व्यवस्था है और वहां आदमी अपनी पहचान नहीं पाया इसलिए भरे पूरे अस्तित्व में और हम गरीबी का दुखड़ा गा रहे स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है हम दूर होते गए और इसके निदान किसी के पास नहीं है भाई और बहनों पचहत्तर साल हो गए गरीबी हटाओ हम कह रहे हैं गरीबी हटाने से नहीं जा रही है तब समझ में आ रहा है गरीबी एक मानसिकता है अमीर आदमी भी अपने को गरीब ही मानता है चकाचौन वाला घर बना लिया लेकिन जब स्वागत करता है तो भाषा देखो आइए आइए गरीब के घर गर में स्वागत है <laughs> गरीब वाले को कितना चतुर हो गया मतलब उसको लगा अगर ए, इस, इसकी नजर लग जाएगी तो हमारा सारा चला जाएगा आइए आइए गरीब के घर गर में स्वागत है महाराज ये कहां का गरीबी का घर होता है कैसे हाँ अब गरीब वाले का भी अहंकार कहां से आइए आइए अमेरिकी की कोठी में आई ये अमीरी है वो भी क्यों पीछा रहे तो गरीब होने को गरीबी का अहंकार अमीर वाले को अमीरी का अहंकार दोनों अहंकार में डूबे और जो पिस रही है वो संतान कंफ्यूज त्याग करके बड़ा हो जाऊं या संग्रह करके बड़ा हो जाऊं दो मॉडल है अभी हमारे पास विचार में यही द्वंद्व है त्याग करके बड़ा होया जाए त्याग करके आइडेंटिटी है त्याग करके नाम है त्याग करके यश है या संग्रह सुविधा करके नाम है या यश है जो संग्रह सुविधा वाला डिजाइन है उसको कहते हैं भौतिकवाद ये द्वंद्व है हमारा जो त्याग वाला डिजाइन है उसको हम कहेंगे आदर्शवाद इस दो भाषा से हम बच्चों से बात कर रहे हैं बच्चे कंफ्यूज हैं तो अनुभव की रोशनी में मानव की पहचान बनी समाधान समृद्धि यह मानव की पहचान है यह लक्ष्य है और इस लक्ष्य के संकेत बारंबार एग्जिस्टेंशियल डिजाइन में हमको सतत सतत देखने होंगे अस्तित्व जिस अस्तित्व के हम एक इकाई हैं एक यूनिट है उस अस्तित्व के संकेत क्या है और मेरी कल्पना में क्या संकेत आ रहे वास्तविकता क्या है और मैं क्या सोच रहा हूं यह अंतर्द्वंद्व है कि नहीं सोचने वाला मुद्दा है कि नहीं एक गवाही जितने भी अभी तक हमने दिमाग लगाया उसकी एक भी गवाही इधर नहीं मिल रही है जैसे उदाहरण के लिए हम सोचते जिंदगी एक संघर्ष है है कि नहीं इसमें देखें कोई संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आ रहा है एक हम ही है जो संघर्ष कर रहे स्ट्रगल है स्ट्रगल है काय के लिए स्ट्रगल है संग्रह सुविधा के लिए स्ट्रगल है जबकि है यहां जितने बैठे हैं सबके घर हैं ऐसा नहीं कि घर में रहने के लिए कुछ नहीं है जिसको रहने के नहीं मान लिया सबके पास घर है अच्छे घर है सबके पास सुविधाएं हैं फिर भी कम है लग रहा है तो स्ट्रगल एक काल्पनिक दुनिया है ऐसा लग रहा है ऐसा ही सोचना होगा क्योंकि यहां तो कोई स्ट्रगल दिखती नहीं सभी व्यवस्थित है अब अगर हम भाषा देने का प्रयास करें इन प्रत्येक अवस्था का प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक इकाई का आचरण निश्चित है प्रत्येक इकाई का आचरण निश्चित है नियम पूर्ण है फिर हम कौन से बाहर से आ गए कि हमारे आचरण को हमको पता नहीं हमारी निश्चितताओं का हमको पता नहीं है तो जिस डिजाइन में हम लोग चल रहे हैं में ही डिजाइन को हम लोग चल रहे हैं, उस संघर्ष में हमारे आचरण निश्चित नहीं है पुनः एक बार लेके आऊंगा यदि परिवार में माता पिता संघर्षरत नजर आएंगे तो संतान पर प्रभाव क्या है तो हमने उनको संघर्ष पहुंचा है कि नहीं उसकी कल्पना में कि बेटा आगे चल करके क्या करना है संघर्ष करना है अब संघर्ष के साथ परिवार में जिया जा सकता है कि परिवार में संगीत मेहता के साथ जिया जा सकता है यह थोड़ा सोचने का मुद्दा ये निर्णय का मुद्दा है जल्दी नहीं है समझा जाए यह निर्णय करना होगा कि परिवार में संघर्ष के साथ या परिवार में संघर्ष के साथ अपनों के साथ संघर्ष इसलिए क्योंकि हम व्यवस्थित नहीं है हमारा जो प्रकाशन है हम जो अभी के प्रकाशन है उसको हम कहेंगे यह भ्रम का प्रकाशन है इसलिए अव्यवस्था है यस yes, समय हो गया धन्यवाद ब्रेक के बाद मिलते हैं तीन बजे ठीक लग रहा है ना आप लोगों को अरे थोड़ा हमारा भी उत्साह वर्धन करो थैंक यू बढ़िया बढ़िया आप बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग तीन बजे मिलते हैं थैंक यू आप बता बेवा के हम सभी लोग दो बजे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है सभी ग्रुप में मिलेंगे और सभी जो रूम हैं वो सेकंड फ्लोर पे लेफ़्ट साइड इस मेरा जो दाया हाथ है वहाँ पे सभी रूम्स हैं एक सीढ़ी नीचे उतर के आपको सभी रूम मिल जाएंगे और सभी रूम पे ग्रुप वन टू थ्री टेन लगा हुआ है और सभी ग्रुप लीडर से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ग्रुप डिस्कशन की शीट कलेक्ट करके ही खाना खाना जाए हाँ जिन जिन लोगों का नाम नहीं है वो ग्रुप टेन में ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप टेन में